हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरआर मीडिया पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अब्राहम ओजलर मूवी के बारे में। जी हां दोस्तों, अब्राहम ओजलर 2024 के भारतीय मलयालम भाषा की मनोवैज्ञानिक चिकित्सक अपराध थ्रिलर फिल्म है, जो मिथुन मैनुअल थॉमस द्वारा सह निर्मित और निर्देशित है और रणधीरा कृष्णा द्वारा लिखित है। फिल्म में ममूटी अनुस्वर राजम, अनुपमा मेनन, अर्जुन अशोका, आर्या सलीम, सेथिल कृष्णा, जगदीश जयजू कृपार कुरूपा और दिलेश वेशपोथन के साथ साथ मुख्य भूमिका में मेजर राम भी हैं। यह फिल्म एक अनुभवी पुलिसकर्मी अब्राहम ओजलर पर आधारित है, जो अपने परिवार को लापता होने से परेशान है, एक आईटी कर्मचारी की हत्या की जांच करता है और एक सीरियल किलर का पता लगाता है। फिल्म का निर्देशन मिथुन मैनुअल थॉमस ने किया है। फिल्म के मुख्य अभिनेताओं में जयराम ममूटी, अनुपमा मेमन, अनश्वर राजन, अर्जुना अशोकन जैसे कई कलाकार नजर आने वाले हैं। यह फिल्म 11 जनवरी 2024 को रिलीज की गई थी। जिसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वो 40.53 करोड़ के आसपास की कमाई करने वाली फिल्म थी। फिल्म का निर्देशन जॉन मर्थिकरन ने थॉमस को डॉक्टर रणधीरा कृष्णा द्वारा लिखित एक कहानी सुनाई। कहानी में प्रभावित होकर उन्होंने इस परियोजना का निर्देशन करने का निर्णय किया। फिल्म की आधिकारिक घोषणा मई 2023 में की गई थी और मुख्य फोटोग्राफी 20 मई 2023 में शुरू हुई थी। इसे त्रिशूर, पलकंडा, कोयंबटूर और वायनाडा में बड़े पैमाने पर शूट किया गया था और नवंबर के मध्य तक पूरा कर लिया गया था। संगीत मिथुन मुकुंदन द्वारा तैयार किया गया था, जबकि फिल्म की सिनेमाटोग्राफी थेनी ईश्वर द्वारा संभाली गई थी और संपादन समीर मोहम्मद द्वारा किया गया था। फिल्म पहले 25 दिसंबर 2023 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन रिलीज की तारीख 11 जनवरी 2024 तक के लिए टाल दिया गया था। फिल्म को आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली, जिसे जयराम के प्रदर्शन में मिथुन के मूल स्कोर की प्रशंसा की गई, लेकिन निर्देशन और पाठकथा से आलोचना भी की गई थी। बात करें फिल्म की कहानी की, तो फिल्म की कहानी एसपी अब्राहम ओजलर के जीवन पर तब बिखर जाता है जब एक फर्जी पुलिस कॉल से उसे बहका लिया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप विनीत ने नशीले पदार्थ के संबंधित पिछली गिरफ्तारी का बदला लेने के लिए अपनी पत्नी अनीसा और बेटी का अपहरण और क्रूर हत्या कर दी। ओजलर निराश में डूबा हुआ समाधान की खोज के लिए संघर्ष कर रहा है। तीन साल बाद मति भ्रम और निद्रा से परेशान ओजलर अपने अधीनस्थियों एसआई सीओ और एसआई दिव्या के साथ हथियारों की एक श्रृंखला की जांच करने के लिए निकल पड़ता है। हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरआर मीडिया पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अब्राहम ओजलर मूवी के बारे में। जी हां दोस्तों, अब्राहम ओजलर 2024 के भारतीय मलयालम भाषा की मनोवैज्ञानिक चिकित्सक अपराध थ्रिलर फिल्म है, जो मिथुन मैनुअल थॉमस द्वारा सह निर्मित और निर्देशित है और रणधीरा कृष्णा द्वारा लिखित है। फिल्म में ममूटी अनुस्वर राजम, अनुपमा मेनन, अर्जुन अशोका, आर्या सलीम, सेथिल कृष्णा, जगदीश जयजू कृपार कुरूपा और दिलेश वेशपोथन के साथ साथ मुख्य भूमिका में मेजर राम भी हैं। यह फिल्म एक अनुभवी पुलिसकर्मी अब्राहम ओजलर पर आधारित है, जो अपने परिवार को लापता होने से परेशान है, एक आईटी कर्मचारी की हत्या की जांच करता है और एक सीरियल किलर का पता लगाता है। फिल्म का निर्देशन मिथुन मैनुअल थॉमस ने किया है। फिल्म के मुख्य अभिनेताओं में जयराम ममूटी, अनुपमा मेमन, अनश्वर राजन, अर्जुना अशोकन जैसे कई कलाकार नजर आने वाले हैं। यह फिल्म 11 जनवरी 2024 को रिलीज की गई थी। जिसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वो 40.53 करोड़ के आसपास की कमाई करने वाली फिल्म थी। फिल्म का निर्देशन जॉन मर्थिकरन ने थॉमस को डॉक्टर रणधीरा कृष्णा द्वारा लिखित एक कहानी सुनाई। कहानी में प्रभावित होकर उन्होंने इस परियोजना का निर्देशन करने का निर्णय किया। फिल्म की आधिकारिक घोषणा मई 2023 में की गई थी और मुख्य फोटोग्राफी 20 मई 2023 में शुरू हुई थी।
इसे त्रिशूर, पलकंडा, कोयंबटूर और वायनाडा में बड़े पैमाने पर शूट किया गया था और नवंबर के मध्य तक पूरा कर लिया गया था। संगीत मिथुन मुकुंदन द्वारा तैयार किया गया था, जबकि फिल्म की सिनेमाटोग्राफी थेनी ईश्वर द्वारा संभाली गई थी और संपादन समीर मोहम्मद द्वारा किया गया था। फिल्म पहले 25 दिसंबर 2023 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन रिलीज की तारीख 11 जनवरी 2024 तक के लिए टाल दिया गया था। फिल्म को आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली, जिसे जयराम के प्रदर्शन में मिथुन के मूल स्कोर की प्रशंसा की गई, लेकिन निर्देशन और पाठकथा से आलोचना भी की गई थी। बात करें फिल्म की कहानी की, तो फिल्म की कहानी एसपी अब्राहम ओजलर के जीवन पर तब बिखर जाता है जब एक फर्जी पुलिस कॉल से उसे बहका लिया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप विनीत ने नशीले पदार्थ के संबंधित पिछली गिरफ्तारी का बदला लेने के लिए अपनी पत्नी अनीसा और बेटी का अपहरण और क्रूर हत्या कर दी। ओजलर निराश में डूबा हुआ समाधान की खोज के लिए संघर्ष कर रहा है। तीन साल बाद मति भ्रम और निद्रा से परेशान ओजलर अपने अधीनस्थियों एसआई सीओ और एसआई दिव्या के साथ हथियारों की एक श्रृंखला की जांच करने के लिए निकल पड़ता है। हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरआर मीडिया पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अब्राहम ओजलर मूवी के बारे में। जी हां दोस्तों, अब्राहम ओजलर 2024 के भारतीय मलयालम भाषा की मनोवैज्ञानिक चिकित्सक अपराध थ्रिलर फिल्म है, जो मिथुन मैनुअल थॉमस द्वारा सह निर्मित और निर्देशित है और रणधीरा कृष्णा द्वारा लिखित है। फिल्म में ममूटी, अनुस्वर राजम, अनुपमा मेनन, अर्जुन अशोका, आर्या सलीम, सेथिल कृष्णा, जगदीश जयजू कृपार कुरूपा और विदिलेश वेशपोथन के साथ साथ मुख्य भूमिका में मेजर राम भी हैं। यह फिल्म एक अनुभवी पुलिसकर्मी अब्राहम ओजलर पर आधारित है, जो अपने परिवार को लापता होने से परेशान है, एक आईटी कर्मचारी की हत्या की जांच करता है और एक सीरियल किलर का पता लगाता है। फिल्म का निर्देशन मिथुन मैनुअल थॉमस ने किया है। फिल्म के मुख्य अभिनेताओं में जयराम, ममूटी, अनुपमा मेमन, अनस्वर राजन, अर्जुना अशोकन जैसे कई कलाकार नजर आने वाले हैं। यह फिल्म 11 जनवरी 2024 को रिलीज की गई थी, जिसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को 40.53 करोड़ के आसपास की कमाई करने वाली फिल्म थी। फिल्म का निर्देशन जॉन मर्थिकलर ने थॉमस को डॉक्टर रणधीरा कृष्णा द्वारा लिखित एक कहानी सुनाई। कहानी में प्रभावित होकर उन्होंने इस परियोजना का निर्देशन करने का निर्णय किया। फिल्म की आधिकारिक घोषणा मई 2023 में की गई थी और मुख्य फोटोग्राफी 20 मई 2023 में शुरू हुई थी। इसे त्रिशूर, पलकंडा, कोयंबटूर और वायनाडा में बड़े पैमाने पर शूट किया गया था और नवंबर के मध्य तक पूरा कर लिया गया था। संगीत मिथुन मुकुंदन द्वारा तैयार किया गया था, जबकि फिल्म की सिनेमाटोग्राफी थेनी ईश्वर द्वारा संभाली गई थी और संपादन समीर मोहम्मद द्वारा किया गया था। फिल्म पहले 25 दिसंबर 2023 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन रिलीज की तारीख 11 जनवरी 2024 तक के लिए टाल दिया गया था। फिल्म को आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली, जिसे जयराम के प्रदर्शन में मिथुन के मूल स्कोर की प्रशंसा की गई, लेकिन निर्देशन और पाठकथा से आलोचना भी की गई थी। बात करें फिल्म की कहानी की, तो फिल्म की कहानी एसपी अब्राहम ओजलर के जीवन पर तब बिखर जाता है जब एक फर्जी पुलिस कॉल से उसे बहका लिया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप विनीत ने नशीले पदार्थ के संबंधित पिछली गिरफ्तारी का बदला लेने के लिए अपनी पत्नी अनीसा और बेटी का अपहरण और क्रूर हत्या कर दी। ओजलर निराश में डूबा हुआ समाधान की खोज के लिए संघर्ष कर रहा है। तीन साल बाद मति भ्रम और निद्रा से परेशान ओजलर अपने अधीनस्थियों एसआई सीओ और एसआई दिव्या के साथ हथियारों की एक श्रृंखला की जांच करने के लिए निकल पड़ता है।
हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरआर मीडिया पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अब्राहम ओजलर मूवी के बारे में। जी हां दोस्तों, अब्राहम ओजलर 2024 के भारतीय मलयालम भाषा की मनोवैज्ञानिक चिकित्सक अपराध थ्रिलर फिल्म है, जो मिथुन मैनुअल थॉमस द्वारा सह निर्मित और निर्देशित है और रणधीरा कृष्णा द्वारा लिखित है। फिल्म में ममूटी अनुस्वर राजम, अनुपमा मेनन, अर्जुन अशोका, आर्या सलीम, सेथिल कृष्णा, जगदीश जयजू कृपार कुरूपा और विदिलेश वेश पोथन के साथ साथ मुख्य भूमिका में मेजर राम भी हैं। यह फिल्म एक अनुभवी पुलिसकर्मी अब्राहम ओजलर पर आधारित है, जो अपने परिवार को लापता होने से परेशान है, एक आईटी कर्मचारी की हत्या की जांच करता है और एक सीरियल किलर का पता लगाता है। फिल्म का निर्देशन मिथुन मैनुअल थॉमस ने किया है। फिल्म के मुख्य अभिनेताओं में जयराम ममूटी, अनुपमा मेमन, अनस्वर राजन, अर्जुना अशोकन जैसे कई कलाकार नजर आने वाले हैं। यह फिल्म 11 जनवरी 2024 को रिलीज की गई थी। जिसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वो 40.53 करोड़ के आसपास की कमाई करने वाली फिल्म थी। फिल्म का निर्देशन जॉन मर्थिकरन ने थॉमस को डॉक्टर रणधीरा कृष्णा द्वारा लिखित एक कहानी सुनाई। कहानी में प्रभावित होकर उन्होंने इस परियोजना का निर्देशन करने का निर्णय किया। फिल्म की आधिकारिक घोषणा मई 2023 में की गई थी और मुख्य फोटोग्राफी 20 मई 2023 में शुरू हुई थी। इसे त्रिशूर, पलकंडा, कोयंबटूर और वायनाडा में बड़े पैमाने पर शूट किया गया था और नवंबर के मध्य तक पूरा कर लिया गया था। संगीत मिथुन मुकुंदन द्वारा तैयार किया गया था, जबकि फिल्म की सिनेमाटोग्राफी थेनी ईश्वर द्वारा संभाली गई थी और संपादन समीर मोहम्मद द्वारा किया गया था। फिल्म पहले 25 दिसंबर 2023 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन रिलीज की तारीख 11 जनवरी 2024 तक के लिए टाल दिया गया था। फिल्म को आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली, जिसे जयराम के प्रदर्शन में मिथुन के मूल स्कोर की प्रशंसा की गई, लेकिन निर्देशन और पाठकथा से आलोचना भी की गई थी। बात करें फिल्म की कहानी की, तो फिल्म की कहानी एसपी अब्राहम ओजलर के जीवन पर तब बिखर जाता है जब एक फर्जी पुलिस कॉल से उसे बहका लिया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप विनीत ने नशीले पदार्थ के संबंधित पिछली गिरफ्तारी का बदला लेने के लिए अपनी पत्नी अनीसा और बेटी का अपहरण और क्रूर हत्या कर दी। ओजलर निराश में डूबा हुआ समाधान की खोज के लिए संघर्ष कर रहा। तीन साल बाद मति भ्रम हो और निद्रा से परेशान ओजलर अपने अधीनस्थियों SI CEO और SI दिव्या के साथ हथियारों की एक श्रृंखला की जांच करने के लिए निकल पड़ता है। हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरआर मीडिया पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अब्राहम ओजलर मूवी के बारे में। जी हां दोस्तों, अब्राहम ओजलर 2024 के भारतीय मलयालम भाषा की मनोवैज्ञानिक चिकित्सक अपराध थ्रिलर फिल्म है, जो मिथुन मैनुअल थॉमस द्वारा सह निर्मित और निर्देशित है और रणधीरा कृष्णा द्वारा लिखित है। फिल्म में ममूटी अनुस्वर राजम, अनुपमा मेनन, अर्जुन अशोका, आर्या सलीम, सेथिल कृष्णा, जगदीश जयजू कृपार कुरूपा और विदिलेश वेश पोथन के साथ साथ मुख्य भूमिका में मेजर राम भी हैं। यह फिल्म एक अनुभवी पुलिसकर्मी अब्राहम ओजलर पर आधारित है, जो अपने परिवार को लापता होने से परेशान है, एक आईटी कर्मचारी की हत्या की जांच करता है और एक सीरियल किलर का पता लगाता है। फिल्म का निर्देशन मिथुन मैनुअल थॉमस ने किया है। फिल्म के मुख्य अभिनेताओं में जयराम ममूटी, अनुपमा मेमन, अनस्वर राजन, अर्जुना अशोकन जैसे कई कलाकार नजर आने वाले हैं। यह फिल्म 11 जनवरी 2024 को रिलीज की गई थी। जिसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वो 40.53 करोड़ के आसपास की कमाई करने वाली फिल्म थी। फिल्म का निर्देशन जॉन मर्थिकरन ने थॉमस को डॉक्टर रणधीरा कृष्णा द्वारा लिखित एक कहानी सुनाई। कहानी में प्रभावित होकर उन्होंने इस परियोजना का निर्देशन करने का निर्णय किया। फिल्म की आधिकारिक घोषणा मई 2023 में की गई थी और मुख्य फोटोग्राफी 20 मई 2023 में शुरू हुई थी।
इसे त्रिशूर, पलकंडा, कोयंबटूर और वायनाडा में बड़े पैमाने पर शूट किया गया था और नवंबर के मध्य तक पूरा कर लिया गया था। संगीत मिथुन मुकुंदन द्वारा तैयार किया गया था, जबकि फिल्म की सिनेमाटोग्राफी थेनी ईश्वर द्वारा संभाली गई थी और संपादन समीर मोहम्मद द्वारा किया गया था। फिल्म पहले 25 दिसंबर 2023 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन रिलीज की तारीख 11 जनवरी 2024 तक के लिए टाल दिया गया था। फिल्म को आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली, जिसे जयराम के प्रदर्शन में मिथुन के मूल स्कोर की प्रशंसा की गई, लेकिन निर्देशन और पाठकथा से आलोचना भी की गई थी। बात करें फिल्म की कहानी की, तो फिल्म की कहानी एसपी अब्राहम ओजलर के जीवन पर तब बिखर जाता है जब एक फर्जी पुलिस कॉल से उसे बहका लिया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप विनीत ने नशीले पदार्थ के संबंधित पिछली गिरफ्तारी का बदला लेने के लिए अपनी पत्नी अनीसा और बेटी का अपहरण और क्रूर हत्या कर दी। ओजलर निराश में डूबा हुआ समाधान की खोज के लिए संघर्ष कर रहा है। तीन साल बाद मति भ्रम और निद्रा से परेशान ओजलर अपने अधीनस्थियों SI CEO और SI दिव्या के साथ हथियारों की एक श्रृंखला की जांच करने के लिए निकल पड़ता है। हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल RR मीडिया पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अब्राहम ओजलर मूवी के बारे में। जी हां दोस्तों, अब्राहम ओजलर 2024 के भारतीय मलयालम भाषा की मनोवैज्ञानिक चिकित्सक अपराध थ्रिलर फिल्म है, जो मिथुन मैनुअल थॉमस द्वारा सह निर्मित और निर्देशित है और रणधीरा कृष्णा द्वारा लिखित है। फिल्म में ममूटी, अनुस्वर राजम, अनुपमा मेनन, अर्जुन अशोका, आर्या सलीम, सेथिल कृष्णा, जगदीश जयजू कृपार कुरूपा और विदिलेश वेशपोथन के साथ साथ मुख्य भूमिका में मेजर राम भी हैं। यह फिल्म एक अनुभवी पुलिसकर्मी अब्राहम ओजलर पर आधारित है, जो अपने परिवार को लापता होने से परेशान है, एक IT कर्मचारी की हत्या की जांच करता है और एक सीरियल किलर का पता लगाता है। फिल्म का निर्देशन मिथुन मैनुअल थॉमस ने किया है। फिल्म के मुख्य अभिनेताओं में जयराम, ममूटी, अनुपमा मेमन, अनस्वर राजन, अर्जुना अशोकन जैसे कई कलाकार नजर आने वाले हैं। यह फिल्म 11 जनवरी 2024 को रिलीज की गई थी, जिसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को 40.53 करोड़ के आसपास की कमाई करने वाली फिल्म थी। फिल्म का निर्देशन जॉन मर्थिकरन ने थॉमस को डॉक्टर रणधीरा कृष्णा द्वारा लिखित एक कहानी सुनाई। कहानी में प्रभावित होकर उन्होंने इस परियोजना का निर्देशन करने का निर्णय किया। फिल्म की आधिकारिक घोषणा मई 2023 में की गई थी और मुख्य फोटोग्राफी 20 मई 2023 में शुरू हुई थी। इसे त्रिशूर, पलकंडा, कोयंबटूर और वायनाडा में बड़े पैमाने पर शूट किया गया था और नवंबर के मध्य तक पूरा कर लिया गया था। संगीत मिथुन मुकुंदन द्वारा तैयार किया गया था, जबकि फिल्म की सिनेमाटोग्राफी थेनी ईश्वर द्वारा संभाली गई थी और संपादन समीर मोहम्मद द्वारा किया गया था। फिल्म पहले 25 दिसंबर 2023 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन रिलीज की तारीख 11 जनवरी 2024 तक के लिए टाल दिया गया था। फिल्म को आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली, जिसे जयराम के प्रदर्शन में मिथुन के मूल स्कोर की प्रशंसा की गई, लेकिन निर्देशन और पाठकथा से आलोचना भी की गई थी। बात करें फिल्म की कहानी की, तो फिल्म की कहानी एसपी अब्राहम ओजलर के जीवन पर तब बिखर जाता है जब एक फर्जी पुलिस कॉल से उसे बहका लिया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप विनीत ने नशीले पदार्थ के संबंधित पिछली गिरफ्तारी का बदला लेने के लिए अपनी पत्नी अनीसा और बेटी का अपहरण और क्रूर हत्या कर दी। ओजलर निराश में डूबा हुआ समाधान की खोज के लिए संघर्ष कर रहा है। तीन साल बाद मति भ्रम और निद्रा से परेशान ओजलर अपने अधीनस्थियों SI CEO और SI दिव्या के साथ हथियारों की एक श्रृंखला की जांच करने के लिए निकल पड़ता है।
हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरआर मीडिया पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अब्राहम ओजलर मूवी के बारे में। जी हां दोस्तों, अब्राहम ओजलर 2024 के भारतीय मलयालम भाषा की मनोवैज्ञानिक चिकित्सक अपराध थ्रिलर फिल्म है, जो मिथुन मैनुअल थॉमस द्वारा सह निर्मित और निर्देशित है और रणधीरा कृष्णा द्वारा लिखित है। फिल्म में ममूटी अनुस्वर राजम, अनुपमा मेनन, अर्जुन अशोका, आर्या सलीम, सेथिल कृष्णा, जगदीश जयजू कृपार कुरूपा और विदिलेश वेसन पोथन के साथ साथ मुख्य भूमिका में मेजर राम भी हैं। यह फिल्म एक अनुभवी पुलिसकर्मी अब्राहम ओजलर पर आधारित है, जो अपने परिवार को लापता होने से परेशान है, एक आईटी कर्मचारी की हत्या की जांच करता है और एक सीरियल किलर का पता लगाता है। फिल्म का निर्देशन मिथुन मैनुअल थॉमस ने किया है। फिल्म के मुख्य अभिनेताओं में जयराम ममूटी, अनुपमा मेमन, अनस्वर राजन, अर्जुना अशोकन जैसे कई कलाकार नजर आने वाले हैं। यह फिल्म 11 जनवरी 2024 को रिलीज की गई थी, जिसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वो 40.53 करोड़ के आसपास की कमाई करने वाली फिल्म थी। फिल्म का निर्देशन जॉन मर्थिकरन ने थॉमस को डॉक्टर रणधीरा कृष्णा द्वारा लिखित एक कहानी सुनाई। कहानी में प्रभावित होकर उन्होंने इस परियोजना का निर्देशन करने का निर्णय किया। फिल्म की आधिकारिक घोषणा मई 2023 में की गई थी और मुख्य फोटोग्राफी 20 मई 2023 में शुरू हुई थी। इसे त्रिशूर, पलकंडा, कोयंबटूर और वायनाडा में बड़े पैमाने पर शूट किया गया था और नवंबर के मध्य तक पूरा कर लिया गया था। संगीत मिथुन मुकुंदन द्वारा तैयार किया गया था, जबकि फिल्म की सिनेमाटोग्राफी थेनी ईश्वर द्वारा संभाली गई थी और संपादन समीर मोहम्मद द्वारा किया गया था। फिल्म पहले 25 दिसंबर 2023 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन रिलीज की तारीख 11 जनवरी 2024 तक के लिए टाल दिया गया था। फिल्म को आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली, जिसे जयराम के प्रदर्शन में मिथुन के मूल स्कोर की प्रशंसा की गई, लेकिन निर्देशन और पाठकथा से आलोचना भी की गई थी। बात करें फिल्म की कहानी की, तो फिल्म की कहानी एसपी अब्राहम ओजलर के जीवन पर तब बिखर जाता है जब एक फर्जी पुलिस कॉल से उसे बहका लिया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप विनीत ने नशीले पदार्थ के संबंधित पिछली गिरफ्तारी का बदला लेने के लिए अपनी पत्नी अनीसा और बेटी का अपहरण और क्रूर हत्या कर दी। ओजलर निराश में डूबा हुआ समाधान की खोज के लिए संघर्ष कर रहा। तीन साल बाद मति भ्रम और निद्रा से परेशान ओजलर अपने अधीनस्थियों SI CEO और SI दिव्या के साथ हथियारों की एक श्रृंखला की जांच करने के लिए निकल पड़ता है। हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरआर मीडिया पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अब्राहम ओजलर मूवी के बारे में। जी हां दोस्तों, अब्राहम ओजलर 2024 के भारतीय मलयालम भाषा की मनोवैज्ञानिक चिकित्सक अपराध थ्रिलर फिल्म है, जो मिथुन मैनुअल थॉमस द्वारा सह निर्मित और निर्देशित है और रणधीरा कृष्णा द्वारा लिखित है। फिल्म में ममूटी अनुस्वर राजम, अनुपमा मेनन, अर्जुन अशोका, आर्या सलीम, सेथिल कृष्णा, जगदीश जयजू कृपार कुरूपा और विदिलेश वेसन पोथन के साथ साथ मुख्य भूमिका में मेजर राम भी हैं। यह फिल्म एक अनुभवी पुलिसकर्मी अब्राहम ओजलर पर आधारित है, जो अपने परिवार को लापता होने से परेशान है, एक आईटी कर्मचारी की हत्या की जांच करता है और एक सीरियल किलर का पता लगाता है। फिल्म का निर्देशन मिथुन मैनुअल थॉमस ने किया है। फिल्म के मुख्य अभिनेताओं में जयराम ममूटी, अनुपमा मेमन, अनस्वर राजन, अर्जुना अशोकन जैसे कई कलाकार नजर आने वाले हैं। यह फिल्म 11 जनवरी 2024 को रिलीज की गई थी, जिसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वो 40.53 करोड़ के आसपास की कमाई करने वाली फिल्म थी। फिल्म का निर्देशन जॉन मर्थिकरन ने थॉमस को डॉक्टर रणधीरा कृष्णा द्वारा लिखित एक कहानी सुनाई। कहानी में प्रभावित होकर उन्होंने इस परियोजना का निर्देशन करने का निर्णय किया। फिल्म की आधिकारिक घोषणा मई 2023 में की गई थी और मुख्य फोटोग्राफी 20 मई 2023 में शुरू हुई थी।
इसे त्रिशूर, पलकंडा, कोयंबटूर और वायनाडा में बड़े पैमाने पर शूट किया गया था और नवंबर के मध्य तक पूरा कर लिया गया था। संगीत मिथुन मुकुंदन द्वारा तैयार किया गया था, जबकि फिल्म की सिनेमाटोग्राफी थेनी ईश्वर द्वारा संभाली गई थी और संपादन समीर मोहम्मद द्वारा किया गया था। फिल्म पहले 25 दिसंबर 2023 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन रिलीज की तारीख 11 जनवरी 2024 तक के लिए टाल दिया गया था। फिल्म को आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली, जिसे जयराम के प्रदर्शन में मिथुन के मूल स्कोर की प्रशंसा की गई, लेकिन निर्देशन और पाठकथा से आलोचना भी की गई थी। बात करें फिल्म की कहानी की, तो फिल्म की कहानी एसपी अब्राहम ओजलर के जीवन पर तब बिखर जाता है जब एक फर्जी पुलिस कॉल से उसे बहका लिया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप विनीत ने नशीले पदार्थ के संबंधित पिछली गिरफ्तारी का बदला लेने के लिए अपनी पत्नी अनीसा और बेटी का अपहरण और क्रूर हत्या कर दिया। ओजलर निराश में डूबा हुआ समाधान की खोज के लिए संघर्ष कर रहा है। तीन साल बाद मति भ्रम और निद्रा से परेशान ओजलर अपने अधीनस्थियों SI CEO और SI दिव्या के साथ हथियारों की एक श्रृंखला की जांच करने के लिए निकल पड़ता है। हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल RR मीडिया पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अब्राहम ओजलर मूवी के बारे में। जी हां दोस्तों, अब्राहम ओजलर 2024 के भारतीय मलयालम भाषा की मनोवैज्ञानिक चिकित्सक अपराध थ्रिलर फिल्म है, जो मिथुन मैनुअल थॉमस द्वारा सह निर्मित और निर्देशित है और रणधीरा कृष्णा द्वारा लिखित है। फिल्म में ममूटी, अनुस्वर राजम, अनुपमा मेनन, अर्जुन अशोका, आर्या सलीम, सेथिल कृष्णा, जगदीश जयजू कृपार कुरूपा और विदिलेश वेसन पोथन के साथ साथ मुख्य भूमिका में मेजर राम भी हैं। यह फिल्म एक अनुभवी पुलिसकर्मी अब्राहम ओजलर पर आधारित है, जो अपने परिवार को लापता होने से परेशान है, एक IT कर्मचारी की हत्या की जांच करता है और एक सीरियल किलर का पता लगाता है। फिल्म का निर्देशन मिथुन मैनुअल थॉमस ने किया है। फिल्म के मुख्य अभिनेताओं में जयराम, ममूटी, अनुपमा मेमन, अनस्वर राजन, अर्जुना अशोकन जैसे कई कलाकार नजर आने वाले हैं। यह फिल्म 11 जनवरी 2024 को रिलीज की गई थी, जिसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को 40.53 करोड़ के आसपास की कमाई करने वाली फिल्म थी। फिल्म का निर्देशन जॉन मर्थिकरन ने थॉमस को डॉक्टर रणधीरा कृष्णा द्वारा लिखित एक कहानी सुनाई। कहानी में प्रभावित होकर उन्होंने इस परियोजना का निर्देशन करने का निर्णय किया। फिल्म की आधिकारिक घोषणा मई 2023 में की गई थी और मुख्य फोटोग्राफी 20 मई 2023 में शुरू हुई थी। इसे त्रिशूर, पलकंडा, कोयंबटूर और वायनाडा में बड़े पैमाने पर शूट किया गया था और नवंबर के मध्य तक पूरा कर लिया गया था। संगीत मिथुन मुकुंदन द्वारा तैयार किया गया था, जबकि फिल्म की सिनेमाटोग्राफी थेनी ईश्वर द्वारा संभाली गई थी और संपादन समीर मोहम्मद द्वारा किया गया था। फिल्म पहले 25 दिसंबर 2023 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन रिलीज की तारीख 11 जनवरी 2024 तक के लिए टाल दिया गया था। फिल्म को आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली, जिसे जयराम के प्रदर्शन में मिथुन के मूल स्कोर की प्रशंसा की गई, लेकिन निर्देशन और पाठकथा से आलोचना भी की गई थी। बात करें फिल्म की कहानी की, तो फिल्म की कहानी एसपी अब्राहम ओजलर के जीवन पर तब बिखर जाता है जब एक फर्जी पुलिस कॉल से उसे बहका लिया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप विनीत ने नशीले पदार्थ के संबंधित पिछली गिरफ्तारी का बदला लेने के लिए अपनी पत्नी अनीसा और बेटी का अपहरण और क्रूर हत्या कर दिया। ओजलर निराश में डूबा हुआ समाधान की खोज के लिए संघर्ष कर रहा है। तीन साल बाद मति भ्रम और निद्रा से परेशान ओजलर अपने अधीनस्थियों SI CEO और SI दिव्या के साथ हथियारों की एक श्रृंखला की जांच करने के लिए निकल पड़ता है।
हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरआर मीडिया पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अब्राहम ओजलर मूवी के बारे में। जी हां दोस्तों, अब्राहम ओजलर 2024 के भारतीय मलयालम भाषा की मनोवैज्ञानिक चिकित्सक अपराध थ्रिलर फिल्म है, जो मिथुन मैनुअल थॉमस द्वारा सह निर्मित और निर्देशित है और रणधीरा कृष्णा द्वारा लिखित है। फिल्म में ममूटी अनुस्वर राजम, अनुपमा मेनन, अर्जुन अशोका, आर्या सलीम, सेथिल कृष्णा, जगदीश जयजू कृपार कुरूपा और विदिलेश वेश पोथन के साथ साथ मुख्य भूमिका में मेजर राम भी हैं। यह फिल्म एक अनुभवी पुलिसकर्मी अब्राहम ओजलर पर आधारित है, जो अपने परिवार को लापता होने से परेशान है, एक आईटी कर्मचारी की हत्या की जांच करता है और एक सीरियल किलर का पता लगाता है। फिल्म का निर्देशन मिथुन मैनुअल थॉमस ने किया है। फिल्म के मुख्य अभिनेताओं में जयराम ममूटी, अनुपमा मेमन, अनस्वर राजन, अर्जुना अशोकन जैसे कई कलाकार नजर आने वाले हैं। यह फिल्म 11 जनवरी 2024 को रिलीज की गई थी, जिसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वो 40.53 करोड़ के आसपास की कमाई करने वाली फिल्म थी। फिल्म का निर्देशन जॉन मर्थिकरन ने थॉमस को डॉक्टर रणधीरा कृष्णा द्वारा लिखित एक कहानी सुनाई। कहानी में प्रभावित होकर उन्होंने इस परियोजना का निर्देशन करने का निर्णय किया। फिल्म की आधिकारिक घोषणा मई 2023 में की गई थी और मुख्य फोटोग्राफी 20 मई 2023 में शुरू हुई थी। इसे त्रिशूर, पलकंडा, कोयंबटूर और वायनाडा में बड़े पैमाने पर शूट किया गया था और नवंबर के मध्य तक पूरा कर लिया गया था। संगीत मिथुन मुकुंदन द्वारा तैयार किया गया था, जबकि फिल्म की सिनेमेटोग्राफी थेनी ईश्वर द्वारा संभाली गई थी और संपादन समीर मोहम्मद द्वारा किया गया था। फिल्म पहले 25 दिसंबर 2023 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन रिलीज की तारीख 11 जनवरी 2024 तक के लिए टाल दिया गया था। फिल्म को आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली, जिसे जयराम के प्रदर्शन में मिथुन के मूल स्कोर की प्रशंसा की गई, लेकिन निर्देशन और पाठकथा से आलोचना भी की गई थी। बात करें फिल्म की कहानी की, तो फिल्म की कहानी एसपी अब्राहम ओजलर के जीवन पर तब बिखर जाता है जब एक फर्जी पुलिस कॉल से उसे बहका लिया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप विनीत ने नशीले पदार्थ के संबंधित पिछली गिरफ्तारी का बदला लेने के लिए अपनी पत्नी अनीसा और बेटी का अपहरण और क्रूर हत्या कर दी। ओजलर निराश में डूबा हुआ समाधान की खोज के लिए संघर्ष कर रहा। तीन साल बाद मति भ्रम और निद्रा से परेशान ओजलर अपने अधीनस्थियों SI CEO और SI दिव्या के साथ हथियारों की एक श्रृंखला की जांच करने के लिए निकल पड़ता है। हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरआर मीडिया पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अब्राहम ओजलर मूवी के बारे में। जी हां दोस्तों, अब्राहम ओजलर 2024 के भारतीय मलयालम भाषा की मनोवैज्ञानिक चिकित्सक अपराध थ्रिलर फिल्म है, जो मिथुन मैनुअल थॉमस द्वारा सह निर्मित और निर्देशित है और रणधीरा कृष्णा द्वारा लिखित है। फिल्म में ममूटी अनुस्वर राजम, अनुपमा मेनन, अर्जुन अशोका, आर्या सलीम, सेथिल कृष्णा, जगदीश जयजू कृपार कुरूपा और विदिलेश वेश पोथन के साथ साथ मुख्य भूमिका में मेजर राम भी हैं। यह फिल्म एक अनुभवी पुलिसकर्मी अब्राहम ओजलर पर आधारित है, जो अपने परिवार को लापता होने से परेशान है, एक आईटी कर्मचारी की हत्या की जांच करता है और एक सीरियल किलर का पता लगाता है। फिल्म का निर्देशन मिथुन मैनुअल थॉमस ने किया है। फिल्म के मुख्य अभिनेताओं में जयराम ममूटी, अनुपमा मेमन, अनस्वर राजन, अर्जुना अशोकन जैसे कई कलाकार नजर आने वाले हैं। यह फिल्म 11 जनवरी 2024 को रिलीज की गई थी, जिसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वो 40.53 करोड़ के आसपास की कमाई करने वाली फिल्म थी। फिल्म का निर्देशन जॉन मर्थिकरन ने थॉमस को डॉक्टर रणधीरा कृष्णा द्वारा लिखित एक कहानी सुनाई। कहानी में प्रभावित होकर उन्होंने इस परियोजना का निर्देशन करने का निर्णय किया। फिल्म की आधिकारिक घोषणा मई 2023 में की गई थी और मुख्य फोटोग्राफी 20 मई 2023 में शुरू हुई थी।
इसे त्रिशूर, पलकंडा, कोयंबटूर और वायनाडा में बड़े पैमाने पर शूट किया गया था और नवंबर के मध्य तक पूरा कर लिया गया था। संगीत मिथुन मुकुंदन द्वारा तैयार किया गया था, जबकि फिल्म की सिनेमाटोग्राफी थेनी ईश्वर द्वारा संभाली गई थी और संपादन समीर मोहम्मद द्वारा किया गया था। फिल्म पहले 25 दिसंबर 2023 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन रिलीज की तारीख 11 जनवरी 2024 तक के लिए टाल दिया गया था। फिल्म को आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली, जिसे जयराम के प्रदर्शन में मिथुन के मूल स्कोर की प्रशंसा की गई, लेकिन निर्देशन और पाठकथा से आलोचना भी की गई थी। बात करें फिल्म की कहानी की, तो फिल्म की कहानी एसपी अब्राहम ओजलर के जीवन पर तब बिखर जाता है जब एक फर्जी पुलिस कॉल से उसे बहका लिया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप विनीत ने नशीले पदार्थ के संबंधित पिछली गिरफ्तारी का बदला लेने के लिए अपनी पत्नी अनीसा और बेटी का अपहरण और क्रूर हत्या कर दी। ओजलर निराश में डूबा हुआ समाधान की खोज के लिए संघर्ष कर रहा है। तीन साल बाद मति भ्रम और निद्रा से परेशान ओजलर अपने अधीनस्थियों एसआई सीओ और एसआई दिव्या के साथ हथियारों की एक श्रृंखला की जांच करने के लिए निकल पड़ता है। हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरआर मीडिया पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अब्राहम ओजलर मूवी के बारे में। जी हां दोस्तों, अब्राहम ओजलर 2024 के भारतीय मलयालम भाषा की मनोवैज्ञानिक चिकित्सक अपराध थ्रिलर फिल्म है, जो मिथुन मैनुअल थॉमस द्वारा सह निर्मित और निर्देशित है और रणधीरा कृष्णा द्वारा लिखित है। फिल्म में ममूटी, अनुस्वर राजम, अनुपमा मेनन, अर्जुन अशोका, आर्या सलीम, सेथिल कृष्णा, जगदीश जयजू, कृपार कुरूपा और विदिलेश वेशपोथन के साथ साथ मुख्य भूमिका में मेजर राम भी हैं। यह फिल्म एक अनुभवी पुलिसकर्मी अब्राहम ओजलर पर आधारित है, जो अपने परिवार को लापता होने से परेशान है, एक आईटी कर्मचारी की हत्या की जांच करता है और एक सीरियल किलर का पता लगाता है। फिल्म का निर्देशन मिथुन मैनुअल थॉमस ने किया है। फिल्म के मुख्य अभिनेताओं में जयराम, ममूटी, अनुपमा मेमन, अनस्वर राजन, अर्जुना अशोकन जैसे कई कलाकार नजर आने वाले हैं। यह फिल्म 11 जनवरी 2024 को रिलीज की गई थी, जिसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को 40.53 करोड़ के आसपास की कमाई करने वाली फिल्म थी। फिल्म का निर्देशन जॉन मर्थिकरन ने थॉमस को डॉक्टर रणधीरा कृष्णा द्वारा लिखित एक कहानी सुनाई। कहानी में प्रभावित होकर उन्होंने इस परियोजना का निर्देशन करने का निर्णय किया। फिल्म की आधिकारिक घोषणा मई 2023 में की गई थी और मुख्य फोटोग्राफी 20 मई 2023 में शुरू हुई थी। इसे त्रिशूर, पलकंडा, कोयंबटूर और वायनाडा में बड़े पैमाने पर शूट किया गया था और नवंबर के मध्य तक पूरा कर लिया गया था। संगीत मिथुन मुकुंदन द्वारा तैयार किया गया था, जबकि फिल्म की सिनेमाटोग्राफी थेनी ईश्वर द्वारा संभाली गई थी और संपादन समीर मोहम्मद द्वारा किया गया था। फिल्म पहले 25 दिसंबर 2023 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन रिलीज की तारीख 11 जनवरी 2024 तक के लिए टाल दिया गया था। फिल्म को आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली, जिसे जयराम के प्रदर्शन में मिथुन के मूल स्कोर की प्रशंसा की गई, लेकिन निर्देशन और पाठकथा से आलोचना भी की गई थी। बात करें फिल्म की कहानी की, तो फिल्म की कहानी एसपी अब्राहम ओजलर के जीवन पर तब बिखर जाता है जब एक फर्जी पुलिस कॉल से उसे बहका लिया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप विनीत ने नशीले पदार्थ के संबंधित पिछली गिरफ्तारी का बदला लेने के लिए अपनी पत्नी अनीसा और बेटी का अपहरण और क्रूर हत्या कर दी। ओजलर निराश में डूबा हुआ समाधान की खोज के लिए संघर्ष कर रहा है। तीन साल बाद मति भ्रम और निद्रा से परेशान ओजलर अपने अधीनस्थियों एसआई सीओ और एसआई दिव्या के साथ हथियारों की एक श्रृंखला की जांच करने के लिए निकल पड़ता है।
हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरआर मीडिया पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अब्राहम ओजलर मूवी के बारे में। जी हां दोस्तों, अब्राहम ओजलर 2024 के भारतीय मलयालम भाषा की मनोवैज्ञानिक चिकित्सक अपराध थ्रिलर फिल्म है, जो मिथुन मैनुअल थॉमस द्वारा सह निर्मित और निर्देशित है और रणधीरा कृष्णा द्वारा लिखित है। फिल्म में ममूटी अनुस्वर राजम, अनुपमा मेनन, अर्जुन अशोका, आर्या सलीम, सेथिल कृष्णा, जगदीश जयजू कृपार कुरूपा और विदिलेश वेसन पोथन के साथ साथ मुख्य भूमिका में मेजर राम भी हैं। यह फिल्म एक अनुभवी पुलिसकर्मी अब्राहम ओजलर पर आधारित है, जो अपने परिवार को लापता होने से परेशान है, एक आईटी कर्मचारी की हत्या की जांच करता है और एक सीरियल किलर का पता लगाता है। फिल्म का निर्देशन मिथुन मैनुअल थॉमस ने किया है। फिल्म के मुख्य अभिनेताओं में जयराम ममूटी, अनुपमा मेमन, अनस्वर राजन, अर्जुना अशोकन जैसे कई कलाकार नजर आने वाले हैं। यह फिल्म 11 जनवरी 2024 को रिलीज की गई थी, जिसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वो 40.53 करोड़ के आसपास की कमाई करने वाली फिल्म थी। फिल्म का निर्देशन जॉन मर्थिकरन ने थॉमस को डॉक्टर रणधीरा कृष्णा द्वारा लिखित एक कहानी सुनाई। कहानी में प्रभावित होकर उन्होंने इस परियोजना का निर्देशन करने का निर्णय किया। फिल्म की आधिकारिक घोषणा मई 2023 में की गई थी और मुख्य फोटोग्राफी 20 मई 2023 में शुरू हुई थी। इसे त्रिशूर, पलकंडा, कोयंबटूर और वायनाडा में बड़े पैमाने पर शूट किया गया था और नवंबर के मध्य तक पूरा कर लिया गया था। संगीत मिथुन मुकुंदन द्वारा तैयार किया गया था, जबकि फिल्म की सिनेमाटोग्राफी थेनी ईश्वर द्वारा संभाली गई थी और संपादन समीर मोहम्मद द्वारा किया गया था। फिल्म पहले 25 दिसंबर 2023 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन रिलीज की तारीख 11 जनवरी 2024 तक के लिए टाल दिया गया था। फिल्म को आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली, जिसे जयराम के प्रदर्शन में मिथुन के मूल स्कोर की प्रशंसा की गई, लेकिन निर्देशन और पाठकथा से आलोचना भी की गई थी। बात करें फिल्म की कहानी की, तो फिल्म की कहानी एसपी अब्राहम ओजलर के जीवन पर तब बिखर जाता है जब एक फर्जी पुलिस कॉल से उसे बहका लिया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप विनीत ने नशीले पदार्थ के संबंधित पिछली गिरफ्तारी का बदला लेने के लिए अपनी पत्नी अनीसा और बेटी का अपहरण और क्रूर हत्या कर दी। ओजलर निराश में डूबा हुआ समाधान की खोज के लिए संघर्ष कर रहा। तीन साल बाद मति भ्रम और निद्रा से परेशान ओजलर अपने अधीनस्थियों SI CEO और SI दिव्या के साथ हथियारों की एक श्रृंखला की जांच करने के लिए निकल पड़ता है। हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरआर मीडिया पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अब्राहम ओजलर मूवी के बारे में। जी हां दोस्तों, अब्राहम ओजलर 2024 के भारतीय मलयालम भाषा की मनोवैज्ञानिक चिकित्सक अपराध थ्रिलर फिल्म है, जो मिथुन मैनुअल थॉमस द्वारा सह निर्मित और निर्देशित है और रणधीरा कृष्णा द्वारा लिखित है। फिल्म में ममूटी अनुस्वर राजम, अनुपमा मेनन, अर्जुन अशोका, आर्या सलीम, सेथिल कृष्णा, जगदीश जयजू कृपार कुरूपा और विदिलेश वेसन पोथन के साथ साथ मुख्य भूमिका में मेजर राम भी हैं। यह फिल्म एक अनुभवी पुलिसकर्मी अब्राहम ओजलर पर आधारित है, जो अपने परिवार को लापता होने से परेशान है, एक आईटी कर्मचारी की हत्या की जांच करता है और एक सीरियल किलर का पता लगाता है। फिल्म का निर्देशन मिथुन मैनुअल थॉमस ने किया है। फिल्म के मुख्य अभिनेताओं में जयराम ममूटी, अनुपमा मेमन, अनस्वर राजन, अर्जुना अशोकन जैसे कई कलाकार नजर आने वाले हैं। यह फिल्म 11 जनवरी 2024 को रिलीज की गई थी, जिसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वो 40.53 करोड़ के आसपास की कमाई करने वाली फिल्म थी। फिल्म का निर्देशन जॉन मर्थिकरन ने थॉमस को डॉक्टर रणधीरा कृष्णा द्वारा लिखित एक कहानी सुनाई। कहानी में प्रभावित होकर उन्होंने इस परियोजना का निर्देशन करने का निर्णय किया। फिल्म की आधिकारिक घोषणा मई 2023 में की गई थी और मुख्य फोटोग्राफी 20 मई 2023 में शुरू हुई थी।
इसे त्रिशूर, पलकंडा, कोयंबटूर और वायनाडा में बड़े पैमाने पर शूट किया गया था और नवंबर के मध्य तक पूरा कर लिया गया था। संगीत मिथुन मुकुंदन द्वारा तैयार किया गया था, जबकि फिल्म की सिनेमाटोग्राफी थेनी ईश्वर द्वारा संभाली गई थी और संपादन समीर मोहम्मद द्वारा किया गया था। फिल्म पहले 25 दिसंबर 2023 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन रिलीज की तारीख 11 जनवरी 2024 तक के लिए टाल दिया गया था। फिल्म को आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली, जिसे जयराम के प्रदर्शन में मिथुन के मूल स्कोर की प्रशंसा की गई, लेकिन निर्देशन और पाठकथा से आलोचना भी की गई थी। बात करें फिल्म के कहानी की, तो फिल्म की कहानी एसपी अब्राहम ओजलर के जीवन पर तब बिखर जाता है जब एक फर्जी पुलिस कॉल से उसे बहका लिया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप विनीत ने नशीले पदार्थ के संबंधित पिछली गिरफ्तारी का बदला लेने के लिए अपनी पत्नी अनीसा और बेटी का अपहरण और क्रूर हत्या कर दिया। ओजलर निराश में डूबा हुआ समाधान की खोज के लिए संघर्ष कर रहा है। तीन साल बाद मति भ्रम और निद्रा से परेशान ओजलर अपने अधीनस्थियों एसआई सीओ और एसआई दिव्या के साथ हथियारों की एक श्रृंखला की जांच करने के लिए निकल पड़ता है। हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरआर मीडिया पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अब्राहम ओजलर मूवी के बारे में। जी हां दोस्तों, अब्राहम ओजलर 2024 के भारतीय मलयालम भाषा की मनोवैज्ञानिक चिकित्सक अपराध थ्रिलर फिल्म है, जो मिथुन मैनुअल थॉमस द्वारा सह निर्मित और निर्देशित है और रणधीरा कृष्णा द्वारा लिखित है। फिल्म में ममूटी अनुस्वर राजम, अनुपमा मेनन, अर्जुन अशोका, आर्या सलीम, सेथिल कृष्णा, जगदीश जयजू कृपार, कुरूपा और विदिलेश वेशपोथन के साथ साथ मुख्य भूमिका में मेजर राम भी हैं। यह फिल्म एक अनुभवी पुलिसकर्मी अब्राहम ओजलर पर आधारित है, जो अपने परिवार को लापता होने से परेशान है, एक आईटी कर्मचारी की हत्या की जांच करता है और एक सीरियल किलर का पता लगाता है। फिल्म का निर्देशन मिथुन मैनुअल थॉमस ने किया है। फिल्म के मुख्य अभिनेताओं में जयराम, ममूटी, अनुपमा मेमन, अनस्वर राजन, अर्जुना अशोकन जैसे कई कलाकार नजर आने वाले हैं। यह फिल्म 11 जनवरी 2024 को रिलीज की गई थी, जिसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को 40.53 करोड़ के आसपास की कमाई करने वाली फिल्म थी। फिल्म का निर्देशन जॉन मर्थिकरन ने थॉमस को डॉक्टर रणधीरा कृष्णा द्वारा लिखित एक कहानी सुनाई। कहानी में प्रभावित होकर उन्होंने इस परियोजना का निर्देशन करने का निर्णय किया। फिल्म की आधिकारिक घोषणा मई 2023 में की गई थी और मुख्य फोटोग्राफी 20 मई 2023 में शुरू हुई थी। इसे त्रिशूर, पलकंडा, कोयंबटूर और वायनाडा में बड़े पैमाने पर शूट किया गया था और नवंबर के मध्य तक पूरा कर लिया गया था। संगीत मिथुन मुकुंदन द्वारा तैयार किया गया था, जबकि फिल्म की सिनेमाटोग्राफी थेनी ईश्वर द्वारा संभाली गई थी और संपादन समीर मोहम्मद द्वारा किया गया था। फिल्म पहले 25 दिसंबर 2023 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन रिलीज की तारीख 11 जनवरी 2024 तक के लिए टाल दिया गया था। फिल्म को आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली, जिसे जयराम के प्रदर्शन में मिथुन के मूल स्कोर की प्रशंसा की गई, लेकिन निर्देशन और पाठकथा से आलोचना भी की गई थी। बात करें फिल्म के कहानी की, तो फिल्म की कहानी एसपी अब्राहम ओजलर के जीवन पर तब बिखर जाता है जब एक फर्जी पुलिस कॉल से उसे बहका लिया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप विनीत ने नशीले पदार्थ के संबंधित पिछली गिरफ्तारी का बदला लेने के लिए अपनी पत्नी अनीसा और बेटी का अपहरण और क्रूर हत्या कर दिया। ओजलर निराश में डूबा हुआ समाधान की खोज के लिए संघर्ष कर रहा है। तीन साल बाद मति भ्रम और निद्रा से परेशान ओजलर अपने अधीनस्थियों एसआई सीओ और एसआई दिव्या के साथ हथियारों की एक श्रृंखला की जांच करने के लिए निकल पड़ता है।
हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरआर मीडिया पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अब्राहम ओजलर मूवी के बारे में। जी हां दोस्तों, अब्राहम ओजलर 2024 के भारतीय मलयालम भाषा की मनोवैज्ञानिक चिकित्सक अपराध थ्रिलर फिल्म है, जो मिथुन मैनुअल थॉमस द्वारा सह निर्मित और निर्देशित है और रणधीरा कृष्णा द्वारा लिखित है। फिल्म में ममूटी अनुस्वर राजम, अनुपमा मेनन, अर्जुन अशोका, आर्या सलीम, सेथिल कृष्णा, जगदीश जयजू कृपार कुरूपा और विदिलेश वेसन पोथन के साथ साथ मुख्य भूमिका में मेजर राम भी हैं। यह फिल्म एक अनुभवी पुलिसकर्मी अब्राहम ओजलर पर आधारित है, जो अपने परिवार को लापता होने से परेशान है, एक आईटी कर्मचारी की हत्या की जांच करता है और एक सीरियल किलर का पता लगाता है। फिल्म का निर्देशन मिथुन मैनुअल थॉमस ने किया है। फिल्म के मुख्य अभिनेताओं में जयराम ममूटी, अनुपमा मेमन, अनुस्वर राजन, अर्जुना अशोकन जैसे कई कलाकार नजर आने वाले हैं। यह फिल्म 11 जनवरी 2024 को रिलीज की गई थी, जिसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वो 40.53 करोड़ के आसपास की कमाई करने वाली फिल्म थी। फिल्म का निर्देशन जॉन मर्थिकरन ने थॉमस को डॉक्टर रणधीरा कृष्णा द्वारा लिखित एक कहानी सुनाई। कहानी में प्रभावित होकर उन्होंने इस परियोजना का निर्देशन करने का निर्णय किया। फिल्म की आधिकारिक घोषणा मई 2023 में की गई थी और मुख्य फोटोग्राफी 20 मई 2023 में शुरू हुई थी। इसे त्रिशूर, पलकंडा, कोयंबटूर और वायनाडा में बड़े पैमाने पर शूट किया गया था और नवंबर के मध्य तक पूरा कर लिया गया था। संगीत मिथुन मुकुंदन द्वारा तैयार किया गया था, जबकि फिल्म की सिनेमाटोग्राफी थेनी ईश्वर द्वारा संभाली गई थी और संपादन समीर मोहम्मद द्वारा किया गया था। फिल्म पहले 25 दिसंबर 2023 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन रिलीज की तारीख 11 जनवरी 2024 तक के लिए टाल दिया गया था। फिल्म को आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली, जिसे जयराम के प्रदर्शन में मिथुन के मूल स्कोर की प्रशंसा की गई, लेकिन निर्देशन और पाठकथा से आलोचना भी की गई थी। बात करें फिल्म की कहानी की, तो फिल्म की कहानी एसपी अब्राहम ओजलर के जीवन पर तब बिखर जाता है जब एक फर्जी पुलिस कॉल से उसे बहका लिया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप विनीत ने नशीले पदार्थ के संबंधित पिछली गिरफ्तारी का बदला लेने के लिए अपनी पत्नी अनीसा और बेटी का अपहरण और क्रूर हत्या कर दी। ओजलर निराश में डूबा हुआ समाधान की खोज के लिए संघर्ष कर रहा। तीन साल बाद मति भ्रम हो और निद्रा से परेशान ओजलर अपने अधीनस्थियों SI CEO और SI दिव्या के साथ हथियारों की एक श्रृंखला की जांच करने के लिए निकल पड़ता है। हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरआर मीडिया पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अब्राहम ओजलर मूवी के बारे में। जी हां दोस्तों, अब्राहम ओजलर 2024 के भारतीय मलयालम भाषा की मनोवैज्ञानिक चिकित्सक अपराध थ्रिलर फिल्म है, जो मिथुन मैनुअल थॉमस द्वारा सह निर्मित और निर्देशित है और रणधीरा कृष्णा द्वारा लिखित है। फिल्म में ममूटी अनुस्वर राजम, अनुपमा मेनन, अर्जुन अशोका, आर्या सलीम, सेथिल कृष्णा, जगदीश जयजू कृपार कुरूपा और विदिलेश वेसन पोथन के साथ साथ मुख्य भूमिका में मेजर राम भी हैं। यह फिल्म एक अनुभवी पुलिसकर्मी अब्राहम ओजलर पर आधारित है, जो अपने परिवार को लापता होने से परेशान है, एक आईटी कर्मचारी की हत्या की जांच करता है और एक सीरियल किलर का पता लगाता है। फिल्म का निर्देशन मिथुन मैनुअल थॉमस ने किया है। फिल्म के मुख्य अभिनेताओं में जयराम ममूटी, अनुपमा मेमन, अनुस्वर राजन, अर्जुना अशोकन जैसे कई कलाकार नजर आने वाले हैं। यह फिल्म 11 जनवरी 2024 को रिलीज की गई थी, जिसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वो 40.53 करोड़ के आसपास की कमाई करने वाली फिल्म थी। फिल्म का निर्देशन जॉन मर्थिकरन ने थॉमस को डॉक्टर रणधीरा कृष्णा द्वारा लिखित एक कहानी सुनाई। कहानी में प्रभावित होकर उन्होंने इस परियोजना का निर्देशन करने का निर्णय किया। फिल्म की आधिकारिक घोषणा मई 2023 में की गई थी और मुख्य फोटोग्राफी 20 मई 2023 में शुरू हुई थी।
इसे त्रिशूर, पलकंडा, कोयंबटूर और वायनाडा में बड़े पैमाने पर शूट किया गया था और नवंबर के मध्य तक पूरा कर लिया गया था। संगीत मिथुन मुकुंदन द्वारा तैयार किया गया था, जबकि फिल्म की सिनेमाटोग्राफी थेनी ईश्वर द्वारा संभाली गई थी और संपादन समीर मोहम्मद द्वारा किया गया था। फिल्म पहले 25 दिसंबर 2023 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन रिलीज की तारीख 11 जनवरी 2024 तक के लिए टाल दिया गया था। फिल्म को आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली, जिसे जयराम के प्रदर्शन में मिथुन के मूल स्कोर की प्रशंसा की गई, लेकिन निर्देशन और पाठकथा से आलोचना भी की गई थी। बात करें फिल्म की कहानी की, तो फिल्म की कहानी एसपी अब्राहम ओजलर के जीवन पर तब बिखर जाता है जब एक फर्जी पुलिस कॉल से उसे बहका लिया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप विनीत ने नशीले पदार्थ के संबंधित पिछली गिरफ्तारी का बदला लेने के लिए अपनी पत्नी अनीसा और बेटी का अपहरण और क्रूर हत्या कर दी। ओजलर निराश में डूबा हुआ समाधान की खोज के लिए संघर्ष कर रहा है। तीन साल बाद मति भ्रम और निद्रा से परेशान ओजलर अपने अधीनस्थियों एसआई सीओ और एसआई दिव्या के साथ हथियारों की एक श्रृंखला की जांच करने के लिए निकल पड़ता है। हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरआर मीडिया पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अब्राहम ओजलर मूवी के बारे में। जी हां दोस्तों, अब्राहम ओजलर 2024 के भारतीय मलयालम भाषा की मनोवैज्ञानिक चिकित्सक अपराध थ्रिलर फिल्म है, जो मिथुन मैनुअल थॉमस द्वारा सह निर्मित और निर्देशित है और रणधीरा कृष्णा द्वारा लिखित है। फिल्म में ममूटी अनुस्वर राजम, अनुपमा मेनन, अर्जुन अशोका, आर्या सलीम, सेथिल कृष्णा, जगदीश जयजू कृपार कुरूपा और विदिलेश वेशपोथन के साथ साथ मुख्य भूमिका में मेजर राम भी हैं। यह फिल्म एक अनुभवी पुलिसकर्मी अब्राहम ओजलर पर आधारित है, जो अपने परिवार को लापता होने से परेशान है, एक आईटी कर्मचारी की हत्या की जांच करता है और एक सीरियल किलर का पता लगाता है। फिल्म का निर्देशन मिथुन मैनुअल थॉमस ने किया है। फिल्म के मुख्य अभिनेताओं में जयराम, ममूटी, अनुपमा मेमन, अनस्वर राजन, अर्जुना अशोकन जैसे कई कलाकार नजर आने वाले हैं। यह फिल्म 11 जनवरी 2024 को रिलीज की गई थी, जिसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को 40.53 करोड़ के आसपास की कमाई करने वाली फिल्म थी। फिल्म का निर्देशन जॉन मर्थिकरन ने थॉमस को डॉक्टर रणधीरा कृष्णा द्वारा लिखित एक कहानी सुनाई। कहानी में प्रभावित होकर उन्होंने इस परियोजना का निर्देशन करने का निर्णय किया। फिल्म की आधिकारिक घोषणा मई 2023 में की गई थी और मुख्य फोटोग्राफी 20 मई 2023 में शुरू हुई थी। इसे त्रिशूर, पलकंडा, कोयंबटूर और वायनाडा में बड़े पैमाने पर शूट किया गया था और नवंबर के मध्य तक पूरा कर लिया गया था। संगीत मिथुन मुकुंदन द्वारा तैयार किया गया था, जबकि फिल्म की सिनेमाटोग्राफी थेनी ईश्वर द्वारा संभाली गई थी और संपादन समीर मोहम्मद द्वारा किया गया था। फिल्म पहले 25 दिसंबर 2023 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन रिलीज की तारीख 11 जनवरी 2024 तक के लिए टाल दिया गया था। फिल्म को आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली, जिसे जयराम के प्रदर्शन में मिथुन के मूल स्कोर की प्रशंसा की गई, लेकिन निर्देशन और पाठकथा से आलोचना भी की गई थी। बात करें फिल्म की कहानी की, तो फिल्म की कहानी एसपी अब्राहम ओजलर के जीवन पर तब बिखर जाता है जब एक फर्जी पुलिस कॉल से उसे बहका लिया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप विनीत ने नशीले पदार्थ के संबंधित पिछली गिरफ्तारी का बदला लेने के लिए अपनी पत्नी अनीसा और बेटी का अपहरण और क्रूर हत्या कर दी। ओजलर निराश में डूबा हुआ समाधान की खोज के लिए संघर्ष कर रहा है। तीन साल बाद मति भ्रम और निद्रा से परेशान ओजलर अपने अधीनस्थियों एसआई सीओ और एसआई दिव्या के साथ हथियारों की एक श्रृंखला की जांच करने के लिए निकल पड़ता है।
हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरआर मीडिया पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अब्राहम ओजलर मूवी के बारे में। जी हां दोस्तों, अब्राहम ओजलर 2024 के भारतीय मलयालम भाषा की मनोवैज्ञानिक चिकित्सक अपराध थ्रिलर फिल्म है, जो मिथुन मैनुअल थॉमस द्वारा सह निर्मित और निर्देशित है और रणधीरा कृष्णा द्वारा लिखित है। फिल्म में ममूटी अनुस्वर राजम, अनुपमा मेनन, अर्जुन अशोका, आर्या सलीम, सेथिल कृष्णा, जगदीश जयजू कृपार कुरूपा और विदिलेश वेशपोथन के साथ साथ मुख्य भूमिका में मेजर राम भी हैं। यह फिल्म एक अनुभवी पुलिसकर्मी अब्राहम ओजलर पर आधारित है, जो अपने परिवार को लापता होने से परेशान है, एक आईटी कर्मचारी की हत्या की जांच करता है और एक सीरियल किलर का पता लगाता है। फिल्म का निर्देशन मिथुन मैनुअल थॉमस ने किया है। फिल्म के मुख्य अभिनेताओं में जयराम ममूटी, अनुपमा मेमन, अनस्वर राजन, अर्जुना अशोकन जैसे कई कलाकार नजर आने वाले हैं। यह फिल्म 11 जनवरी 2024 को रिलीज की गई थी। जिसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को 40.53 करोड़ के आसपास की कमाई करने वाली फिल्म थी। फिल्म का निर्देशन जॉन मर्थिकरन ने थॉमस को डॉक्टर रणधीरा कृष्णा द्वारा लिखित एक कहानी सुनाई। कहानी में प्रभावित होकर उन्होंने इस परियोजना का निर्देशन करने का निर्णय किया। फिल्म की आधिकारिक घोषणा मई 2023 में की गई थी और मुख्य फोटोग्राफी 20 मई 2023 में शुरू हुई थी। इसे त्रिशूर, पलकंडा, कोयंबटूर और वायनाडा में बड़े पैमाने पर शूट किया गया था और नवंबर के मध्य तक पूरा कर लिया गया था। संगीत मिथुन मुकुंदन द्वारा तैयार किया गया था, जबकि फिल्म की सिनेमेटोग्राफी थेनी ईश्वर द्वारा संभाली गई थी और संपादन समीर मोहम्मद द्वारा किया गया था। फिल्म पहले 25 दिसंबर 2023 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन रिलीज की तारीख 11 जनवरी 2024 तक के लिए टाल दिया गया था। फिल्म को आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली, जिसे जयराम के प्रदर्शन में मिथुन के मूल स्कोर की प्रशंसा की गई, लेकिन निर्देशन और पाठकथा से आलोचना भी की गई थी। बात करें फिल्म की कहानी की, तो फिल्म की कहानी एसपी अब्राहम ओजलर के जीवन पर तब बिखर जाता है जब एक फर्जी पुलिस कॉल से उसे बहका लिया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप विनीत ने नशीले पदार्थ के संबंधित पिछली गिरफ्तारी का बदला लेने के लिए अपनी पत्नी अनीसा और बेटी का अपहरण और क्रूर हत्या कर दी। ओजलर निराश में डूबा हुआ समाधान की खोज के लिए संघर्ष कर रहा है। तीन साल बाद मति भ्रम और निद्रा से परेशान ओजलर अपने अधीनस्थियों एसआई सीओ और एसआई दिव्या के साथ हथियारों की एक श्रृंखला की जांच करने के लिए निकल पड़ता है। हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरआर मीडिया पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अब्राहम ओजलर मूवी के बारे में। जी हां दोस्तों, अब्राहम ओजलर 2024 के भारतीय मलयालम भाषा की मनोवैज्ञानिक चिकित्सक अपराध थ्रिलर फिल्म है, जो मिथुन मैनुअल थॉमस द्वारा सह निर्मित और निर्देशित है और रणधीरा कृष्णा द्वारा लिखित है। फिल्म में ममूटी अनुस्वर राजम, अनुपमा मेनन, अर्जुन अशोका, आर्या सलीम, सेथिल कृष्णा, जगदीश जयजू कृपार कुरूपा और विदिलेश वेशपोथन के साथ साथ मुख्य भूमिका में मेजर राम भी हैं। यह फिल्म एक अनुभवी पुलिसकर्मी अब्राहम ओजलर पर आधारित है, जो अपने परिवार को लापता होने से परेशान है, एक आईटी कर्मचारी की हत्या की जांच करता है और एक सीरियल किलर का पता लगाता है। फिल्म का निर्देशन मिथुन मैनुअल थॉमस ने किया है। फिल्म के मुख्य अभिनेताओं में जयराम ममूटी, अनुपमा मेमन, अनस्वर राजन, अर्जुना अशोकन जैसे कई कलाकार नजर आने वाले हैं। यह फिल्म 11 जनवरी 2024 को रिलीज की गई थी। जिसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को 40.53 करोड़ के आसपास की कमाई करने वाली फिल्म थी। फिल्म का निर्देशन जॉन मर्थिकरन ने थॉमस को डॉक्टर रणधीरा कृष्णा द्वारा लिखित एक कहानी सुनाई। कहानी में प्रभावित होकर उन्होंने इस परियोजना का निर्देशन करने का निर्णय किया। फिल्म की आधिकारिक घोषणा मई 2023 में की गई थी और मुख्य फोटोग्राफी 20 मई 2023 में शुरू हुई थी।
इसे त्रिशूर, पलकंडा, कोयंबटूर और वायनाडा में बड़े पैमाने पर शूट किया गया था और नवंबर के मध्य तक पूरा कर लिया गया था। संगीत मिथुन मुकुंदन द्वारा तैयार किया गया था, जबकि फिल्म की सिनेमाटोग्राफी थेनी ईश्वर द्वारा संभाली गई थी और संपादन समीर मोहम्मद द्वारा किया गया था। फिल्म पहले 25 दिसंबर 2023 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन रिलीज की तारीख 11 जनवरी 2024 तक के लिए टाल दिया गया था। फिल्म को आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली, जिसे जयराम के प्रदर्शन में मिथुन के मूल स्कोर की प्रशंसा की गई, लेकिन निर्देशन और पाठकथा से आलोचना भी की गई थी। बात करें फिल्म की कहानी की, तो फिल्म की कहानी एसपी अब्राहम ओजलर के जीवन पर तब बिखर जाता है जब एक फर्जी पुलिस कॉल से उसे बहका लिया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप विनीत ने नशीले पदार्थ के संबंधित पिछली गिरफ्तारी का बदला लेने के लिए अपनी पत्नी अनीसा और बेटी का अपहरण और क्रूर हत्या कर दी। ओजलर निराश में डूबा हुआ समाधान की खोज के लिए संघर्ष कर रहा है। तीन साल बाद मति भ्रम और निद्रा से परेशान ओजलर अपने अधीनस्थियों एसआई सीओ और एसआई दिव्या के साथ हथियारों की एक श्रृंखला की जांच करने के लिए निकल पड़ता है। हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरआर मीडिया पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अब्राहम ओजलर मूवी के बारे में। जी हां दोस्तों, अब्राहम ओजलर 2024 के भारतीय मलयालम भाषा की मनोवैज्ञानिक चिकित्सक अपराध थ्रिलर फिल्म है, जो मिथुन मैनुअल थॉमस द्वारा सह निर्मित और निर्देशित है और रणधीरा कृष्णा द्वारा लिखित है। फिल्म में ममूटी, अनुस्वर राजम, अनुपमा मेनन, अर्जुन अशोका, आर्या सलीम, सेथिल कृष्णा, जगदीश जयजू कृपार कुरूपा और विदिलेश वेशपोथन के साथ साथ मुख्य भूमिका में मेजर राम भी हैं। यह फिल्म एक अनुभवी पुलिसकर्मी अब्राहम ओजलर पर आधारित है, जो अपने परिवार को लापता होने से परेशान है, एक आईटी कर्मचारी की हत्या की जांच करता है और एक सीरियल किलर का पता लगाता है। फिल्म का निर्देशन मिथुन मैनुअल थॉमस ने किया है। फिल्म के मुख्य अभिनेताओं में जयराम, ममूटी, अनुपमा मेमन, अनस्वर राजन, अर्जुना अशोकन जैसे कई कलाकार नजर आने वाले हैं। यह फिल्म 11 जनवरी 2024 को रिलीज की गई थी, जिसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को 40.53 करोड़ के आसपास की कमाई करने वाली फिल्म थी। फिल्म का निर्देशन जॉन मर्थिकलर ने थॉमस को डॉक्टर रणधीरा कृष्णा द्वारा लिखित एक कहानी सुनाई। कहानी में प्रभावित होकर उन्होंने इस परियोजना का निर्देशन करने का निर्णय किया। फिल्म की आधिकारिक घोषणा मई 2023 में की गई थी और मुख्य फोटोग्राफी 20 मई 2023 में शुरू हुई थी। इसे त्रिशूर, पलकंडा, कोयंबटूर और वायनाडा में बड़े पैमाने पर शूट किया गया था और नवंबर के मध्य तक पूरा कर लिया गया था। संगीत मिथुन मुकुंदन द्वारा तैयार किया गया था, जबकि फिल्म की सिनेमाटोग्राफी थेनी ईश्वर द्वारा संभाली गई थी और संपादन समीर मोहम्मद द्वारा किया गया था। फिल्म पहले 25 दिसंबर 2023 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन रिलीज की तारीख 11 जनवरी 2024 तक के लिए टाल दिया गया था। फिल्म को आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली, जिसे जयराम के प्रदर्शन में मिथुन के मूल स्कोर की प्रशंसा की गई, लेकिन निर्देशन और पाठकथा से आलोचना भी की गई थी। बात करें फिल्म की कहानी की, तो फिल्म की कहानी एसपी अब्राहम ओजलर के जीवन पर तब बिखर जाता है जब एक फर्जी पुलिस कॉल से उसे बहका लिया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप विनीत ने नशीले पदार्थ के संबंधित पिछली गिरफ्तारी का बदला लेने के लिए अपनी पत्नी अनीसा और बेटी का अपहरण और क्रूर हत्या कर दी। ओजलर निराश में डूबा हुआ समाधान की खोज के लिए संघर्ष कर रहा है। तीन साल बाद मति भ्रम और निद्रा से परेशान ओजलर अपने अधीनस्थियों एसआई सीओ और एसआई दिव्या के साथ हथियारों की एक श्रृंखला की जांच करने के लिए निकल पड़ता है।
हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरआर मीडिया पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अब्राहम ओजलर मूवी के बारे में। जी हां दोस्तों, अब्राहम ओजलर 2024 के भारतीय मलयालम भाषा की मनोवैज्ञानिक चिकित्सक अपराध थ्रिलर फिल्म है, जो मिथुन मैनुअल थॉमस द्वारा सह निर्मित और निर्देशित है और रणधीरा कृष्णा द्वारा लिखित है। फिल्म में ममूटी, अनुस्वर राजम, अनुपमा मेनन, अर्जुन अशोका, आर्या सलीम, सेथिल कृष्णा, जगदीश जयजू कृपार कुरूपा और दिलेश वेशपोथन के साथ साथ मुख्य भूमिका में मेजर राम भी हैं। यह फिल्म एक अनुभवी पुलिसकर्मी अब्राहम ओजलर पर आधारित है, जो अपने परिवार को लापता होने से परेशान है, एक आईटी कर्मचारी की हत्या की जांच करता है और एक सीरियल किलर का पता लगाता है। फिल्म का निर्देशन मिथुन मैनुअल थॉमस ने किया है। फिल्म के मुख्य अभिनेताओं में जयराम ममूटी, अनुपमा मेमन, अनस्वर राजन, अर्जुना अशोकन जैसे कई कलाकार नजर आने वाले हैं। यह फिल्म 11 जनवरी 2024 को रिलीज की गई थी। जिसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को 40.53 करोड़ के आसपास की कमाई करने वाली फिल्म थी। फिल्म का निर्देशन जॉन मर्थिकरन ने थॉमस को डॉक्टर रणधीरा कृष्णा द्वारा लिखित एक कहानी सुनाई। कहानी में प्रभावित होकर उन्होंने इस परियोजना का निर्देशन करने का निर्णय किया। फिल्म की आधिकारिक घोषणा मई 2023 में की गई थी और मुख्य फोटोग्राफी 20 मई 2023 में शुरू हुई थी। इसे त्रिशूर, पलकंडा, कोयंबटूर और वायनाडा में बड़े पैमाने पर शूट किया गया था और नवंबर के मध्य तक पूरा कर लिया गया था। संगीत मिथुन मुकुंदन द्वारा तैयार किया गया था, जबकि फिल्म की सिनेमेटोग्राफी थेनी ईश्वर द्वारा संभाली गई थी और संपादन समीर मोहम्मद द्वारा किया गया था। फिल्म पहले 25 दिसंबर 2023 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन रिलीज की तारीख 11 जनवरी 2024 तक के लिए टाल दिया गया था। फिल्म को आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली, जिसे जयराम के प्रदर्शन में मिथुन के मूल स्कोर की प्रशंसा की गई, लेकिन निर्देशन और पाठकथा से आलोचना भी की गई थी। बात करें फिल्म की कहानी की, तो फिल्म की कहानी एसपी अब्राहम ओजलर के जीवन पर तब बिखर जाता है जब एक फर्जी पुलिस कॉल से उसे बहका लिया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप विनीत ने नशीले पदार्थ के संबंधित पिछली गिरफ्तारी का बदला लेने के लिए अपनी पत्नी अनीसा और बेटी का अपहरण और क्रूर हत्या कर दी। ओजलर निराश में डूबा हुआ समाधान की खोज के लिए संघर्ष कर रहा है। तीन साल बाद मति भ्रम हो और निद्रा से परेशान ओजलर अपने अधीनस्थियों एसआई सीओ और एसआई दिव्या के साथ हथियारों की एक श्रृंखला की जांच करने के लिए निकल पड़ता है। हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरआर मीडिया पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अब्राहम ओजलर मूवी के बारे में। जी हां दोस्तों, अब्राहम ओजलर 2024 के भारतीय मलयालम भाषा की मनोवैज्ञानिक चिकित्सक अपराध थ्रिलर फिल्म है, जो मिथुन मैनुअल थॉमस द्वारा सह निर्मित और निर्देशित है और रणधीरा कृष्णा द्वारा लिखित है। फिल्म में ममूटी, अनुस्वर राजम, अनुपमा मेनन, अर्जुन अशोका, आर्या सलीम, सेथिल कृष्णा, जगदीश जयजू कृपार कुरूपा और दिलेश वेशपोथन के साथ साथ मुख्य भूमिका में मेजर राम भी हैं। यह फिल्म एक अनुभवी पुलिसकर्मी अब्राहम ओजलर पर आधारित है, जो अपने परिवार को लापता होने से परेशान है, एक आईटी कर्मचारी की हत्या की जांच करता है और एक सीरियल किलर का पता लगाता है। फिल्म का निर्देशन मिथुन मैनुअल थॉमस ने किया है। फिल्म के मुख्य अभिनेताओं में जयराम ममूटी, अनुपमा मेमन, अनस्वर राजन, अर्जुना अशोकन जैसे कई कलाकार नजर आने वाले हैं। यह फिल्म 11 जनवरी 2024 को रिलीज की गई थी। जिसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को 40.53 करोड़ के आसपास की कमाई करने वाली फिल्म थी। फिल्म का निर्देशन जॉन मर्थिकरन ने थॉमस को डॉक्टर रणधीरा कृष्णा द्वारा लिखित एक कहानी सुनाई। कहानी में प्रभावित होकर उन्होंने इस परियोजना का निर्देशन करने का निर्णय किया। फिल्म की आधिकारिक घोषणा मई 2023 में की गई थी और मुख्य फोटोग्राफी 20 मई 2023 में शुरू हुई थी।
इसे त्रिशूर, पलकंडा, कोयंबटूर और वायनाडा में बड़े पैमाने पर शूट किया गया था और नवंबर के मध्य तक पूरा कर लिया गया था। संगीत मिथुन मुकुंदन द्वारा तैयार किया गया था, जबकि फिल्म की सिनेमाटोग्राफी थेनी ईश्वर द्वारा संभाली गई थी और संपादन समीर मोहम्मद द्वारा किया गया था। फिल्म पहले 25 दिसंबर 2023 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन रिलीज की तारीख 11 जनवरी 2024 तक के लिए टाल दिया गया था। फिल्म को आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली, जिसे जयराम के प्रदर्शन में मिथुन के मूल स्कोर की प्रशंसा की गई, लेकिन निर्देशन और पाठकथा से आलोचना भी की गई थी। बात करें फिल्म की कहानी की, तो फिल्म की कहानी एसपी अब्राहम ओजलर के जीवन पर तब बिखर जाता है जब एक फर्जी पुलिस कॉल से उसे बहका लिया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप विनीत ने नशीले पदार्थ के संबंधित पिछली गिरफ्तारी का बदला लेने के लिए अपनी पत्नी अनीसा और बेटी का अपहरण और क्रूर हत्या कर दी। ओजलर निराश में डूबा हुआ समाधान की खोज के लिए संघर्ष कर रहा है। तीन साल बाद मति भ्रम और निद्रा से परेशान ओजलर अपने अधीनस्थियों एसआई सीओ और एसआई दिव्या के साथ हथियारों की एक श्रृंखला की जांच करने के लिए निकल पड़ता है। हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरआर मीडिया पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अब्राहम ओजलर मूवी के बारे में। जी हां दोस्तों, अब्राहम ओजलर 2024 के भारतीय मलयालम भाषा की मनोवैज्ञानिक चिकित्सक अपराध थ्रिलर फिल्म है, जो मिथुन मैनुअल थॉमस द्वारा सह निर्मित और निर्देशित है और रणधीरा कृष्णा द्वारा लिखित है। फिल्म में ममूटी, अनुस्वर राजम, अनुपमा मेनन, अर्जुन अशोका, आर्या सलीम, सेथिल कृष्णा, जगदीश जयजू कृपार कुरूपा और विदिलेश वेशपोथन के साथ साथ मुख्य भूमिका में मेजर राम भी हैं। यह फिल्म एक अनुभवी पुलिसकर्मी अब्राहम ओजलर पर आधारित है, जो अपने परिवार को लापता होने से परेशान है, जय एक आईटी कर्मचारी की हत्या की जांच करता है और एक सीरियल किलर का पता लगाता है। फिल्म का निर्देशन मिथुन मैनुअल थॉमस ने किया है। फिल्म के मुख्य अभिनेताओं में जयराम, ममूटी, अनुपमा मेमन, अनस्वर राजन, अर्जुना अशोकन जैसे कई कलाकार नजर आने वाले हैं। यह फिल्म 11 जनवरी 2024 को रिलीज की गई थी, जिसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को 40.53 करोड़ के आसपास की कमाई करने वाली फिल्म थी। फिल्म का निर्देशन जॉन मर्थिकलर ने थॉमस को डॉक्टर रणधीरा कृष्णा द्वारा लिखित एक कहानी सुनाई। कहानी में प्रभावित होकर उन्होंने इस परियोजना का निर्देशन करने का निर्णय किया। फिल्म की आधिकारिक घोषणा मई 2023 में की गई थी और मुख्य फोटोग्राफी 20 मई 2023 में शुरू हुई थी। इसे त्रिशूर, पलकंडा, कोयंबटूर और वायनाडा में बड़े पैमाने पर शूट किया गया था और नवंबर के मध्य तक पूरा कर लिया गया था। संगीत मिथुन मुकुंदन द्वारा तैयार किया गया था, जबकि फिल्म की सिनेमाटोग्राफी थेनी ईश्वर द्वारा संभाली गई थी और संपादन समीर मोहम्मद द्वारा किया गया था। फिल्म पहले 25 दिसंबर 2023 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन रिलीज की तारीख 11 जनवरी 2024 तक के लिए टाल दिया गया था। फिल्म को आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली, जिसे जयराम के प्रदर्शन में मिथुन के मूल स्कोर की प्रशंसा की गई, लेकिन निर्देशन और पाठकथा से आलोचना भी की गई थी। बात करें फिल्म की कहानी की, तो फिल्म की कहानी एसपी अब्राहम ओजलर के जीवन पर तब बिखर जाता है जब एक फर्जी पुलिस कॉल से उसे बहका लिया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप विनीत ने नशीले पदार्थ के संबंधित पिछली गिरफ्तारी का बदला लेने के लिए अपनी पत्नी अनीसा और बेटी का अपहरण और क्रूर हत्या कर दी। ओजलर निराश में डूबा हुआ समाधान की खोज के लिए संघर्ष कर रहा है। तीन साल बाद मति भ्रम और निद्रा से परेशान ओजलर अपने अधीनस्थियों एसआई सीओ और एसआई दिव्या के साथ हथियारों की एक श्रृंखला की जांच करने के लिए निकल पड़ता है।
हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरआर मीडिया पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अब्राहम ओजलर मूवी के बारे में। जी हां दोस्तों, अब्राहम ओजलर 2024 के भारतीय मलयालम भाषा की मनोवैज्ञानिक चिकित्सक अपराध थ्रिलर फिल्म है, जो मिथुन मैनुअल थॉमस द्वारा सह निर्मित और निर्देशित है और रणधीरा कृष्णा द्वारा लिखित है। फिल्म में ममूटी अनुस्वर राजम, अनुपमा मेनन, अर्जुन अशोका, आर्या सलीम, सेथिल कृष्णा, जगदीश जयजू कृपार कुरूपा और विदिलेश वेश पोथन के साथ साथ मुख्य भूमिका में मेजर राम भी हैं। यह फिल्म एक अनुभवी पुलिसकर्मी अब्राहम ओजलर पर आधारित है, जो अपने परिवार को लापता होने से परेशान है, एक आईटी कर्मचारी की हत्या की जांच करता है और एक सीरियल किलर का पता लगाता है। फिल्म का निर्देशन मिथुन मैनुअल थॉमस ने किया है। फिल्म के मुख्य अभिनेताओं में जयराम ममूटी, अनुपमा मेमन, अनस्वर राजन, अर्जुना अशोकन जैसे कई कलाकार नजर आने वाले हैं। यह फिल्म 11 जनवरी 2024 को रिलीज की गई थी, जिसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वो 40.53 करोड़ के आसपास की कमाई करने वाली फिल्म थी। फिल्म का निर्देशन जॉन मर्थिकरन ने थॉमस को डॉक्टर रणधीरा कृष्णा द्वारा लिखित एक कहानी सुनाई। कहानी में प्रभावित होकर उन्होंने इस परियोजना का निर्देशन करने का निर्णय किया। फिल्म की आधिकारिक घोषणा मई 2023 में की गई थी और मुख्य फोटोग्राफी 20 मई 2023 में शुरू हुई थी। इसे त्रिशूर, पलकंडा, कोयंबटूर और वायनाडा में बड़े पैमाने पर शूट किया गया था और नवंबर के मध्य तक पूरा कर लिया गया था। संगीत मिथुन मुकुंदन द्वारा तैयार किया गया था, जबकि फिल्म की सिनेमाटोग्राफी थेनी ईश्वर द्वारा संभाली गई थी और संपादन समीर मोहम्मद द्वारा किया गया था। फिल्म पहले 25 दिसंबर 2023 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन रिलीज की तारीख 11 जनवरी 2024 तक के लिए टाल दिया गया था। फिल्म को आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली, जिसे जयराम के प्रदर्शन में मिथुन के मूल स्कोर की प्रशंसा की गई, लेकिन निर्देशन और पाठकथा से आलोचना भी की गई थी। बात करें फिल्म की कहानी की, तो फिल्म की कहानी एसपी अब्राहम ओजलर के जीवन पर तब बिखर जाता है जब एक फर्जी पुलिस कॉल से उसे बहका लिया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप विनीत ने नशीले पदार्थ के संबंधित पिछली गिरफ्तारी का बदला लेने के लिए अपनी पत्नी अनीसा और बेटी का अपहरण और क्रूर हत्या कर दी। ओजलर निराश में डूबा हुआ समाधान की खोज के लिए संघर्ष कर रहा। तीन साल बाद मति भ्रम और निद्रा से परेशान ओजलर अपने अधीनस्थियों एसआई सीओ और एसआई दिव्या के साथ हत्यारों की एक श्रृंखला की जांच करने के लिए निकल पड़ता है। हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरआर मीडिया पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अब्राहम ओजलर मूवी के बारे में। जी हां दोस्तों, अब्राहम ओजलर 2024 के भारतीय मलयालम भाषा की मनोवैज्ञानिक चिकित्सक अपराध थ्रिलर फिल्म है, जो मिथुन मैनुअल थॉमस द्वारा सह निर्मित और निर्देशित है और रणधीरा कृष्णा द्वारा लिखित है। फिल्म में ममूटी अनुस्वर राजम, अनुपमा मेनन, अर्जुन अशोका, आर्या सलीम, सेथिल कृष्णा, जगदीश जयजू कृपार कुरूपा और विदिलेश वेश पोथन के साथ साथ मुख्य भूमिका में मेजर राम भी हैं। यह फिल्म एक अनुभवी पुलिसकर्मी अब्राहम ओजलर पर आधारित है, जो अपने परिवार को लापता होने से परेशान है, एक आईटी कर्मचारी की हत्या की जांच करता है और एक सीरियल किलर का पता लगाता है। फिल्म का निर्देशन मिथुन मैनुअल थॉमस ने किया है। फिल्म के मुख्य अभिनेताओं में जयराम ममूटी, अनुपमा मेमन, अनस्वर राजन, अर्जुना अशोकन जैसे कई कलाकार नजर आने वाले हैं। यह फिल्म 11 जनवरी 2024 को रिलीज की गई थी, जिसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वो 40.53 करोड़ के आसपास की कमाई करने वाली फिल्म थी। फिल्म का निर्देशन जॉन मर्थिकरन ने थॉमस को डॉक्टर रणधीरा कृष्णा द्वारा लिखित एक कहानी सुनाई। कहानी में प्रभावित होकर उन्होंने इस परियोजना का निर्देशन करने का निर्णय किया। फिल्म की आधिकारिक घोषणा मई 2023 में की गई थी और मुख्य फोटोग्राफी 20 मई 2023 में शुरू हुई थी।
इसे त्रिशूर, पलकंडा, कोयंबटूर और वायनाडा में बड़े पैमाने पर शूट किया गया था और नवंबर के मध्य तक पूरा कर लिया गया था। संगीत मिथुन मुकुंदन द्वारा तैयार किया गया था, जबकि फिल्म की सिनेमेटोग्राफी थेनी ईश्वर द्वारा संभाली गई थी और संपादन समीर मोहम्मद द्वारा किया गया था। फिल्म पहले 25 दिसंबर 2023 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन रिलीज की तारीख 11 जनवरी 2024 तक के लिए टाल दिया गया था। फिल्म को आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली, जिसे जयराम के प्रदर्शन में मिथुन के मूल स्कोर की प्रशंसा की गई, लेकिन निर्देशन और पाठकथा से आलोचना भी की गई थी। बात करें फिल्म की कहानी की, तो फिल्म की कहानी एसपी अब्राहम ओजलर के जीवन पर तब बिखर जाता है जब एक फर्जी पुलिस कॉल से उसे बहका लिया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप विनीत ने नशीले पदार्थ के संबंधित पिछली गिरफ्तारी का बदला लेने के लिए अपनी पत्नी अनीसा और बेटी का अपहरण और क्रूर हत्या कर दिया। ओजलर निराश में डूबा हुआ समाधान की खोज के लिए संघर्ष कर रहा है। तीन साल बाद मति भ्रम और निद्रा से परेशान ओजलर अपने अधीनस्थियों SI CEO और SI दिव्या के साथ हथियारों की एक श्रृंखला की जांच करने के लिए निकल पड़ता है। हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल RR मीडिया पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अब्राहम ओजलर मूवी के बारे में। जी हां दोस्तों, अब्राहम ओजलर 2024 के भारतीय मलयालम भाषा की मनोवैज्ञानिक चिकित्सक अपराध थ्रिलर फिल्म है, जो मिथुन मैनुअल थॉमस द्वारा सह निर्मित और निर्देशित है और रणधीरा कृष्णा द्वारा लिखित है। फिल्म में ममूटी, अनुस्वर राजम, अनुपमा मेनन, अर्जुन अशोका, आर्या सलीम, सेथिल कृष्णा, जगदीश जयजू कृपार कुरूपा और विदिलेश वेशपोथन के साथ साथ मुख्य भूमिका में मेजर राम भी हैं। यह फिल्म एक अनुभवी पुलिसकर्मी अब्राहम ओजलर पर आधारित है, जो अपने परिवार को लापता होने से परेशान है, एक IT कर्मचारी की हत्या की जांच करता है और एक सीरियल किलर का पता लगाता है। फिल्म का निर्देशन मिथुन मैनुअल थॉमस ने किया है। फिल्म के मुख्य अभिनेताओं में जयराम, ममूटी, अनुपमा मेमन, अनस्वर राजन, अर्जुना अशोकन जैसे कई कलाकार नजर आने वाले हैं। यह फिल्म 11 जनवरी 2024 को रिलीज की गई थी, जिसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को 40.53 करोड़ के आसपास की कमाई करने वाली फिल्म थी। फिल्म का निर्देशन जॉन मर्थिकरण ने थॉमस को डॉक्टर रणधीरा कृष्णा द्वारा लिखित एक कहानी सुनाई। कहानी में प्रभावित होकर उन्होंने इस परियोजना का निर्देशन करने का निर्णय किया। फिल्म की आधिकारिक घोषणा मई 2023 में की गई थी और मुख्य फोटोग्राफी 20 मई 2023 में शुरू हुई थी। इसे त्रिशूर, पलकंडा, कोयंबटूर और वायनाडा में बड़े पैमाने पर शूट किया गया था और नवंबर के मध्य तक पूरा कर लिया गया था। संगीत मिथुन मुकुंदन द्वारा तैयार किया गया था, जबकि फिल्म की सिनेमेटोग्राफी थेनी ईश्वर द्वारा संभाली गई थी और संपादन समीर मोहम्मद द्वारा किया गया था। फिल्म पहले 25 दिसंबर 2023 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन रिलीज की तारीख 11 जनवरी 2024 तक के लिए टाल दिया गया था। फिल्म को आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली, जिसे जयराम के प्रदर्शन में मिथुन के मूल स्कोर की प्रशंसा की गई, लेकिन निर्देशन और पाठकथा से आलोचना भी की गई थी। बात करें फिल्म की कहानी की, तो फिल्म की कहानी एसपी अब्राहम ओजलर के जीवन पर तब बिखर जाता है जब एक फर्जी पुलिस कॉल से उसे बहका लिया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप विनीत ने नशीले पदार्थ के संबंधित पिछली गिरफ्तारी का बदला लेने के लिए अपनी पत्नी अनीसा और बेटी का अपहरण और क्रूर हत्या कर दिया। ओजलर निराश में डूबा हुआ समाधान की खोज के लिए संघर्ष कर रहा है। तीन साल बाद मति भ्रम और निद्रा से परेशान ओजलर अपने अधीनस्थियों SI CEO और SI दिव्या के साथ हथियारों की एक श्रृंखला की जांच करने के लिए निकल पड़ता है। हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल
आरआर मीडिया पर आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अब्राहम ओजलर मूवी के बारे में। जी हां दोस्तों, अब्राहम ओजलर 2024 के भारतीय मलयालम भाषा की मनोवैज्ञानिक चिकित्सक अपराध थ्रिलर फिल्म है जो मिथुन मैनुअल थॉमस द्वारा सह निर्मित और निर्देशित है और रणधीरा कृष्णा द्वारा लिखित है। फिल्म में ममूटी अनुस्वर राजम, अनुपमा मेनन, अर्जुन अशोका, आर्या सलीम, सेथिल कृष्णा, जगदीश जयजू कृपार कुरूपा और विदिलेश वेसन पोथन के साथ साथ मुख्य भूमिका में मेजर राम भी हैं। यह फिल्म एक अनुभवी पुलिसकर्मी अब्राहम ओजलर पर आधारित है जो अपने परिवार को लापता होने से परेशान है, जय एक आईटी कर्मचारी की हत्या की जांच करता है और एक सीरियल किलर का पता लगाता है। फिल्म का निर्देशन मिथुन मैनुअल थॉमस ने किया है। फिल्म के मुख्य अभिनेताओं में जयराम ममूटी, अनुपमा मेमन, अनुस्वर राजन, अर्जुना अशोकन जैसे कई कलाकार नजर आने वाले हैं। यह फिल्म 11 जनवरी 2024 को रिलीज की गई थी। जिसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वो 40.53 करोड़ के आसपास की कमाई करने वाली फिल्म थी। फिल्म का निर्देशन जॉन मर्थिकरन ने थॉमस को डॉक्टर रणधीरा कृष्णा द्वारा लिखित एक कहानी सुनाई। कहानी में प्रभावित होकर उन्होंने इस परियोजना का निर्देशन करने का निर्णय किया। फिल्म की आधिकारिक घोषणा मई 2023 में की गई थी और मुख्य फोटोग्राफी 20 मई 2023 में शुरू हुई थी। इसे त्रिशूर, पलकंडा, कोयंबटूर और वायनाडा में बड़े पैमाने पर शूट किया गया था और नवंबर के मध्य तक पूरा कर लिया गया था। संगीत मिथुन मुकुंदन द्वारा तैयार किया गया था जबकि फिल्म की सिनेमाटोग्राफी थेनी ईश्वर द्वारा संभाली गई थी और संपादन समीर मोहम्मद द्वारा किया गया था। फिल्म पहले 25 दिसंबर 2023 को रिलीज होने वाली थी लेकिन रिलीज की तारीख 11 जनवरी 2024 तक के लिए टाल दिया गया था। फिल्म को आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली जिसे जयराम के प्रदर्शन में मिथुन के मूल स्कोर की प्रशंसा की गई लेकिन निर्देशन और पाठकथा से आलोचना भी की गई थी। बात करें फिल्म की कहानी की तो फिल्म की कहानी एसपी अब्राहम ओजलर के जीवन पर तब बिखर जाता है जब एक फर्जी पुलिस कॉल से उसे बहका लिया जाता है जिसके परिणाम स्वरूप विनीत ने नशीले पदार्थ के संबंधित पिछली गिरफ्तारी का बदला लेने के लिए अपनी पत्नी अनीसा और बेटी का अपहरण और क्रूर हत्या कर दी। ओजलर निराश में डूबा हुआ समाधान की खोज के लिए संघर्ष कर रहा। तीन साल बाद मति भ्रम और निद्रा से परेशान ओजलर अपने अधीनस्थियों SI CEO और SI दिव्या के साथ हथियारों की एक श्रृंखला की जांच करने के लिए निकल पड़ता है। हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल RR मीडिया पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अब्राहम ओजलर मूवी के बारे में। जी हां दोस्तों, अब्राहम ओजलर 2024 के भारतीय मलयालम भाषा की मनोवैज्ञानिक चिकित्सक अपराध थ्रिलर फिल्म है जो मिथुन मैनुअल थॉमस द्वारा सह निर्मित और निर्देशित है और रणधीरा कृष्णा द्वारा लिखित है। फिल्म में ममूटी अनुस्वर राजम, अनुपमा मेनन, अर्जुन अशोका, आर्या सलीम, सेथिल कृष्णा, जगदीश जयजू कृपार कुरूपा और विदिलेश वेसन पोथन के साथ साथ मुख्य भूमिका में मेजर राम भी हैं। यह फिल्म एक अनुभवी पुलिसकर्मी अब्राहम ओजलर पर आधारित है जो अपने परिवार को लापता होने से परेशान है, जय एक आईटी कर्मचारी की हत्या की जांच करता है और एक सीरियल किलर का पता लगाता है। फिल्म का निर्देशन मिथुन मैनुअल थॉमस ने किया है। फिल्म के मुख्य अभिनेताओं में जयराम ममूटी, अनुपमा मेमन, अनुस्वर राजन, अर्जुना अशोकन जैसे कई कलाकार नजर आने वाले हैं। यह फिल्म 11 जनवरी 2024 को रिलीज की गई थी। जिसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वो 40.53 करोड़ के आसपास की कमाई करने वाली फिल्म थी। फिल्म का निर्देशन जॉन मर्थिकरन ने थॉमस को डॉक्टर रणधीरा कृष्णा द्वारा लिखित एक कहानी सुनाई। कहानी में प्रभावित होकर उन्होंने इस परियोजना का निर्देशन करने का निर्णय किया। फिल्म की आधिकारिक घोषणा मई 2023 में की गई थी और मुख्य फोटोग्राफी 20 मई 2023 में शुरू हुई थी। इसे त्रिशूर, पलकंडा, कोयंबटूर और वायनाडा में बड़े पैमाने पर शूट किया गया था और नवंबर
के मध्य तक पूरा कर लिया गया था। संगीत मिथुन मुकुंदन द्वारा तैयार किया गया था, जबकि फिल्म की सिनेमाटोग्राफी थेनी ईश्वर द्वारा संभाली गई थी और संपादन समीर मोहम्मद द्वारा किया गया था। फिल्म पहले 25 दिसंबर 2023 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन रिलीज की तारीख 11 जनवरी 2024 तक के लिए टाल दिया गया था। फिल्म को आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली, जिसे जयराम के प्रदर्शन में मिथुन के मूल स्कोर की प्रशंसा की गई, लेकिन निर्देशन और पाठकथा से आलोचना भी की गई थी। बात करें फिल्म की कहानी की, तो फिल्म की कहानी एसपी अब्राहम ओजलर के जीवन पर तब बिखर जाता है जब एक फर्जी पुलिस कॉल से उसे बहका लिया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप विनीत ने नशीले पदार्थ के संबंधित पिछली गिरफ्तारी का बदला लेने के लिए अपनी पत्नी अनीसा और बेटी का अपहरण और क्रूर हत्या कर दी। ओजलर निराश में डूबा हुआ समाधान की खोज के लिए संघर्ष कर रहा है। तीन साल बाद मति भ्रम और निद्रा से परेशान ओजलर अपने अधीनस्थियों SI CEO और SI दिव्या के साथ हथियारों की एक श्रृंखला की जांच करने के लिए निकल पड़ता है। हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल RR मीडिया पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अब्राहम ओजलर मूवी के बारे में। जी हां दोस्तों, अब्राहम ओजलर 2024 के भारतीय मलयालम भाषा की मनोवैज्ञानिक चिकित्सक अपराध थ्रिलर फिल्म है, जो मिथुन मैनुअल थॉमस द्वारा सह निर्मित और निर्देशित है और रणधीरा कृष्णा द्वारा लिखित है। फिल्म में ममूटी अनुस्वर राजम, अनुपमा मेनन, अर्जुन अशोका, आर्या सलीम, सेथिल कृष्णा, जगदीश जयजू कृपार कुरूपा और विदिलेश वेशपोथन के साथ साथ मुख्य भूमिका में मेजर राम भी हैं। यह फिल्म एक अनुभवी पुलिसकर्मी अब्राहम ओजलर पर आधारित है, जो अपने परिवार को लापता होने से परेशान है, एक IT कर्मचारी की हत्या की जांच करता है और एक सीरियल किलर का पता लगाता है। फिल्म का निर्देशन मिथुन मैनुअल थॉमस ने किया है। फिल्म के मुख्य अभिनेताओं में जयराम, ममूटी, अनुपमा मेमन, अनस्वर राजन, अर्जुना अशोकन जैसे कई कलाकार नजर आने वाले हैं। यह फिल्म 11 जनवरी 2024 को रिलीज की गई थी, जिसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को 40.53 करोड़ के आसपास की कमाई करने वाली फिल्म थी। फिल्म का निर्देशन जॉन मर्थिकरन ने थॉमस को डॉक्टर रणधीरा कृष्णा द्वारा लिखित एक कहानी सुनाई। कहानी में प्रभावित होकर उन्होंने इस परियोजना का निर्देशन करने का निर्णय किया। फिल्म की आधिकारिक घोषणा मई 2023 में की गई थी और मुख्य फोटोग्राफी 20 मई 2023 में शुरू हुई थी। इसे त्रिशू, पलकंडा, कोयंबटूर और वायनाडा में बड़े पैमाने पर शूट किया गया था और नवंबर के मध्य तक पूरा कर लिया गया था। संगीत मिथुन मुकुंदन द्वारा तैयार किया गया था, जबकि फिल्म की सिनेमाटोग्राफी थेनी ईश्वर द्वारा संभाली गई थी और संपादन समीर मोहम्मद द्वारा किया गया था। फिल्म पहले 25 दिसंबर 2023 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन रिलीज की तारीख 11 जनवरी 2024 तक के लिए टाल दिया गया था। फिल्म को आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली, जिसे जयराम के प्रदर्शन में मिथुन के मूल स्कोर की प्रशंसा की गई, लेकिन निर्देशन और पाठकथा से आलोचना भी की गई थी। बात करें फिल्म की कहानी की, तो फिल्म की कहानी एसपी अब्राहम ओजलर के जीवन पर तब बिखर जाता है जब एक फर्जी पुलिस कॉल से उसे बहका लिया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप विनीत ने नशीले पदार्थ के संबंधित पिछली गिरफ्तारी का बदला लेने के लिए अपनी पत्नी अनीसा और बेटी का अपहरण और क्रूर हत्या कर दी। ओजलर निराश में डूबा हुआ समाधान की खोज के लिए संघर्ष कर रहा है। तीन साल बाद मति भ्रम और निद्रा से परेशान ओजलर अपने अधीनस्थियों SI CEO और SI दिव्या के साथ हथियारों की एक श्रृंखला की जांच करने के लिए निकल पड़ता है। हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल RR मीडिया पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अब्राहम ओजलर मूवी के बारे में। जी हां दोस्तों, अब्राहम ओजलर 2024 के भारतीय मलयालम भाषा की मनोवैज्ञानिक चिकित्सक अपराध थ्रिलर फिल्म है,
जो मिथुन मैनुअल थॉमस द्वारा सह निर्मित और निर्देशित है और रणधीरा कृष्णा द्वारा लिखित है। फिल्म में ममूटी अनुस्वर राजम अनुपमा मेनन अर्जुन अशोका आर्या सलीम सेथिल कृष्णा जगदीश जयजू कृपार कुरूपा और विदिलेश वेशपोथन के साथ साथ मुख्य भूमिका में मेजर राम भी हैं। यह फिल्म एक अनुभवी पुलिसकर्मी अब्राहम रोजलर पर आधारित है जो अपने परिवार को लापता होने से परेशान है, जय एक आईटी कर्मचारी की हत्या की जांच करता है और एक सीरियल किलर का पता लगाता है। फिल्म का निर्देशन मिथुन मैनुअल थॉमस ने किया है। फिल्म के मुख्य अभिनेताओं में जयराम ममूटी अनुपमा मेमन अनस्वर राजन अर्जुना अशोकन जैसे कई कलाकार नजर आने वाले हैं। यह फिल्म 11 जनवरी 2024 को रिलीज की गई थी। जिसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को 40.53 करोड़ के आसपास की कमाई करने वाली फिल्म थी। फिल्म का निर्देशन जॉन मर्थिकरन ने थॉमस को डॉक्टर रणधीरा कृष्णा द्वारा लिखित एक कहानी सुनाई। कहानी में प्रभावित होकर उन्होंने इस परियोजना का निर्देशन करने का निर्णय किया। फिल्म की आधिकारिक घोषणा मई 2023 में की गई थी और मुख्य फोटोग्राफी 20 मई 2023 में शुरू हुई थी। इसे त्रिशूर पलकंडा कोयंबटूर और वायनाडा में बड़े पैमाने पर शूट किया गया था और नवंबर के मध्य तक पूरा कर लिया गया था। संगीत मिथुन मुकुंदन द्वारा तैयार किया गया था जबकि फिल्म की सिनेमाटोग्राफी थेनी ईश्वर द्वारा संभाली गई थी और संपादन समीर मोहम्मद द्वारा किया गया था। फिल्म पहले 25 दिसंबर 2023 को रिलीज होने वाली थी लेकिन रिलीज की तारीख 11 जनवरी 2024 तक के लिए टाल दिया गया था। फिल्म को आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली जिसे जयराम के प्रदर्शन में मिथुन के मूल स्कोर की प्रशंसा की गई लेकिन निर्देशन और पाठकथा से आलोचना भी की गई थी। बात करें फिल्म की कहानी की तो फिल्म की कहानी एसपी अब्राहम ओजलर के जीवन पर तब बिखर जाता है जब एक फर्जी पुलिस कॉल से उसे बहका लिया जाता है जिसके परिणाम स्वरूप विनीत ने नशीले पदार्थ के संबंधित पिछली गिरफ्तारी का बदला लेने के लिए अपनी पत्नी अनीसा और बेटी का अपहरण और क्रूर हत्या कर दी। ओजलर निराश में डूबा हुआ समाधान की खोज के लिए संघर्ष कर रहा है। तीन साल बाद मति भ्रम और निद्रा से परेशान ओजलर अपने अधीनस्थियों एसआई सीओ और एसआई दिव्या के साथ हथियारों की एक श्रृंखला की जांच करने के लिए निकल पड़ता है। हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरआर मीडिया पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अब्राहम ओजलर मूवी के बारे में। जी हां दोस्तों, अब्राहम ओजलर 2024 के भारतीय मलयालम भाषा की मनोवैज्ञानिक चिकित्सक अपराध थ्रिलर फिल्म है जो मिथुन मैनुअल थॉमस द्वारा सह निर्मित और निर्देशित है और रणधीरा कृष्णा द्वारा लिखित है। फिल्म में ममूटी अनुस्वर राजम अनुपमा मेनन अर्जुन अशोका आर्या सलीम सेथिल कृष्णा जगदीश जयजू कृपार कुरूपा और विदिलेश वेशपोथन के साथ साथ मुख्य भूमिका में मेजर राम भी हैं। यह फिल्म एक अनुभवी पुलिसकर्मी अब्राहम रोजलर पर आधारित है जो अपने परिवार को लापता होने से परेशान है, जय एक आईटी कर्मचारी की हत्या की जांच करता है और एक सीरियल किलर का पता लगाता है। फिल्म का निर्देशन मिथुन मैनुअल थॉमस ने किया है। फिल्म के मुख्य अभिनेताओं में जयराम ममूटी अनुपमा मेमन अनस्वर राजन अर्जुना अशोकन जैसे कई कलाकार नजर आने वाले हैं। यह फिल्म 11 जनवरी 2024 को रिलीज की गई थी। जिसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को 40.53 करोड़ के आसपास की कमाई करने वाली फिल्म थी। फिल्म का निर्देशन जॉन मर्थिकरन ने थॉमस को डॉक्टर रणधीरा कृष्णा द्वारा लिखित एक कहानी सुनाई। कहानी में प्रभावित होकर उन्होंने इस परियोजना का निर्देशन करने का निर्णय किया। फिल्म की आधिकारिक घोषणा मई 2023 में की गई थी और मुख्य फोटोग्राफी 20 मई 2023 में शुरू हुई थी। इसे त्रिशूर पलकंडा कोयंबटूर और वायनाडा में बड़े पैमाने पर शूट किया गया था और नवंबर के मध्य तक पूरा कर लिया गया था। संगीत
मिथुन मुकुंदन द्वारा तैयार किया गया है, जबकि फिल्म की सिनेमाटोग्राफी थेनी ईश्वर द्वारा संभाली गई थी और संपादन समीर मोहम्मद द्वारा किया गया था। फिल्म पहले 25 दिसंबर 2023 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन रिलीज की तारीख 11 जनवरी 2024 तक के लिए टाल दिया गया था। फिल्म को आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली, जिसे जयराम के प्रदर्शन में मिथुन के मूल स्कोर की प्रशंसा की गई, लेकिन निर्देशन और पाठकथा से आलोचना भी की गई थी। बात करें फिल्म की कहानी की, तो फिल्म की कहानी एसपी अब्राहम ओजलर के जीवन पर तब बिखर जाता है जब एक फर्जी पुलिस कॉल से उसे बहका लिया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप विनीत ने नशीले पदार्थ के संबंधित पिछली गिरफ्तारी का बदला लेने के लिए अपनी पत्नी अनीसा और बेटी का अपहरण और क्रूर हत्या कर दी। ओजलर निराश में डूबा हुआ समाधान की खोज के लिए संघर्ष कर रहा है। तीन साल बाद मति भ्रम और निद्रा से परेशान ओजलर अपने अधीनस्थियों SI CEO और SI दिव्या के साथ हथियारों की एक श्रृंखला की जांच करने के लिए निकल पड़ता है। हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल RR मीडिया पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अब्राहम ओजलर मूवी के बारे में। जी हां दोस्तों, अब्राहम ओजलर 2024 के भारतीय मलयालम भाषा की मनोवैज्ञानिक चिकित्सक अपराध थ्रिलर फिल्म है, जो मिथुन मैनुअल थॉमस द्वारा सह निर्मित और निर्देशित है और रणधीरा कृष्णा द्वारा लिखित है। फिल्म में ममूटी अनुस्वर राजम, अनुपमा मेनन, अर्जुन अशोका, आर्या सलीम, सेथिल कृष्णा, जगदीश जयजू कृपार कुरूपा और विदिलेश पोथन के साथ साथ मुख्य भूमिका में मेजर राम भी हैं। यह फिल्म एक अनुभवी पुलिसकर्मी अब्राहम ओजलर पर आधारित है, जो अपने परिवार को लापता होने से परेशान है, एक IT कर्मचारी की हत्या की जांच करता है और एक सीरियल किलर का पता लगाता है। फिल्म का निर्देशन मिथुन मैनुअल थॉमस ने किया है। फिल्म के मुख्य अभिनेताओं में जयराम, ममूटी, अनुपमा मेमन, अनस्वर राजन, अर्जुना अशोकन जैसे कई कलाकार नजर आने वाले हैं। यह फिल्म 11 जनवरी 2024 को रिलीज की गई थी, जिसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को 40.53 करोड़ के आसपास की कमाई करने वाली फिल्म थी। फिल्म का निर्देशन जॉन मर्थिकरन ने थॉमस को डॉक्टर रणधीरा कृष्णा द्वारा लिखित एक कहानी सुनाई। कहानी में प्रभावित होकर उन्होंने इस परियोजना का निर्देशन करने का निर्णय किया। फिल्म की आधिकारिक घोषणा मई 2023 में की गई थी और मुख्य फोटोग्राफी 20 मई 2023 में शुरू हुई थी। इसे त्रिशू, पलकंडा, कोयंबटूर और वायनाडा में बड़े पैमाने पर शूट किया गया था और नवंबर के मध्य तक पूरा कर लिया गया था। संगीत मिथुन मुकुंदन द्वारा तैयार किया गया था, जबकि फिल्म की सिनेमाटोग्राफी थेनी ईश्वर द्वारा संभाली गई थी और संपादन समीर मोहम्मद द्वारा किया गया था। फिल्म पहले 25 दिसंबर 2023 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन रिलीज की तारीख 11 जनवरी 2024 तक के लिए टाल दिया गया था। फिल्म को आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली, जिसे जयराम के प्रदर्शन में मिथुन के मूल स्कोर की प्रशंसा की गई, लेकिन निर्देशन और पाठकथा से आलोचना भी की गई थी। बात करें फिल्म की कहानी की, तो फिल्म की कहानी एसपी अब्राहम ओजलर के जीवन पर तब बिखर जाता है जब एक फर्जी पुलिस कॉल से उसे बहका लिया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप विनीत ने नशीले पदार्थ के संबंधित पिछली गिरफ्तारी का बदला लेने के लिए अपनी पत्नी अनीसा और बेटी का अपहरण और क्रूर हत्या कर दी। ओजलर निराश में डूबा हुआ समाधान की खोज के लिए संघर्ष कर रहा है। तीन साल बाद मति भ्रम और निद्रा से परेशान ओजलर अपने अधीनस्थियों SI CEO और SI दिव्या के साथ हथियारों की एक श्रृंखला की जांच करने के लिए निकल पड़ता है। हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल RR मीडिया पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अब्राहम ओजलर मूवी के बारे में। जी हां दोस्तों, अब्राहम ओजलर 2024 के भारतीय मलयालम भाषा की मनोवैज्ञानिक चिकित्सक अपराध थ्रिलर फिल्म है, जो मिथुन मैनुअल थॉमस द्वारा सह निर्मित और निर्देशित है और रणधीरा कृष्णा द्वारा लिखित है।
फिल्म में ममूटी, अनुस्वर राजम, अनुपमा मेनन, अर्जुन अशोका, आर्या, सलीम, सेथिल कृष्णा, जगदीश, जयजू कृपार, कुरूपा और दिलेश वेशपोथन के साथ साथ मुख्य भूमिका में मेजर राम भी हैं। यह फिल्म एक अनुभवी पुलिसकर्मी अब्राहम रोजलर पर आधारित है जो अपने परिवार को लापता होने से परेशान है, एक आईटी कर्मचारी की हत्या की जांच करता है और एक सीरियल किलर का पता लगाता है। फिल्म का निर्देशन मिथुन मैनुअल थॉमस ने किया है। फिल्म के मुख्य अभिनेताओं में जयराम ममूटी, अनुपमा मेमन, अनुस्वर राजन, अर्जुना अशोकन जैसे कई कलाकार नजर आने वाले हैं। यह फिल्म 11 जनवरी 2024 को रिलीज की गई थी। जिसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वो 40.53 करोड़ के आसपास की कमाई करने वाली फिल्म थी। फिल्म का निर्देशन जॉन मर्थिकरन ने थॉमस को डॉक्टर रणधीरा कृष्णा द्वारा लिखित एक कहानी सुनाई। कहानी में प्रभावित होकर उन्होंने इस परियोजना का निर्देशन करने का निर्णय किया। फिल्म की आधिकारिक घोषणा मई 2023 में की गई थी और मुख्य फोटोग्राफी 20 मई 2023 में शुरू हुई थी। इसे त्रिशूर, पलकंडा, कोयंबटूर और वायनाडा में बड़े पैमाने पर शूट किया गया था और नवंबर के मध्य तक पूरा कर लिया गया था। संगीत मिथुन मुकुंदन द्वारा तैयार किया गया था जबकि फिल्म की सिनेमाटोग्राफी थेनी ईश्वर द्वारा संभाली गई थी और संपादन समीर मोहम्मद द्वारा किया गया था। फिल्म पहले 25 दिसंबर 2023 को रिलीज होने वाली थी लेकिन रिलीज की तारीख 11 जनवरी 2024 तक के लिए टाल दिया गया था। फिल्म को आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली जिसे जयराम के प्रदर्शन में मिथुन के मूल स्कोर की प्रशंसा की गई लेकिन निर्देशन और पाठकथा से आलोचना भी की गई थी। बात करें फिल्म की कहानी की तो फिल्म की कहानी एसपी अब्राहम ओजलर के जीवन पर तब बिखर जाता है जब एक फर्जी पुलिस कॉल से उसे बहका लिया जाता है जिसके परिणाम स्वरूप विनीत ने नशीले पदार्थ के संबंधित पिछली गिरफ्तारी का बदला लेने के लिए अपनी पत्नी अनीसा और बेटी का अपहरण और क्रूर हत्या कर दी। ओजलर निराश में डूबा हुआ समाधान की खोज के लिए संघर्ष कर रहा है। तीन साल बाद मति भ्रम और निद्रा से परेशान ओजलर अपने अधीनस्थियों एसआई सीजो और एसआई दिव्या के साथ हथियारों की एक श्रृंखला की जांच करने के लिए निकल पड़ता है। हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरआर मीडिया पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अब्राहम ओजलर मूवी के बारे में। जी हां दोस्तों, अब्राहम ओजलर 2024 के भारतीय मलयालम भाषा की मनोवैज्ञानिक चिकित्सक अपराध थ्रिलर फिल्म है जो मिथुन मैनुअल थॉमस द्वारा सह निर्मित और निर्देशित है और रणधीरा कृष्णा द्वारा लिखित है। फिल्म में ममूटी, अनुस्वर राजम, अनुपमा मेनन, अर्जुन अशोका, आर्या, सलीम, सेथिल कृष्णा, जगदीश, जयजू कृपार, कुरूपा और दिलेश वेशपोथन के साथ साथ मुख्य भूमिका में मेजर राम भी हैं। यह फिल्म एक अनुभवी पुलिसकर्मी अब्राहम रोजलर पर आधारित है जो अपने परिवार को लापता होने से परेशान है, एक आईटी कर्मचारी की हत्या की जांच करता है और एक सीरियल किलर का पता लगाता है। फिल्म का निर्देशन मिथुन मैनुअल थॉमस ने किया है। फिल्म के मुख्य अभिनेताओं में जयराम ममूटी, अनुपमा मेमन, अनुस्वर राजन, अर्जुना अशोकन जैसे कई कलाकार नजर आने वाले हैं। यह फिल्म 11 जनवरी 2024 को रिलीज की गई थी। जिसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वो 40.53 करोड़ के आसपास की कमाई करने वाली फिल्म थी। फिल्म का निर्देशन जॉन मर्थिकरन ने थॉमस को डॉक्टर रणधीरा कृष्णा द्वारा लिखित एक कहानी सुनाई। कहानी में प्रभावित होकर उन्होंने इस परियोजना का निर्देशन करने का निर्णय किया। फिल्म की आधिकारिक घोषणा मई 2023 में की गई थी और मुख्य फोटोग्राफी 20 मई 2023 में शुरू हुई थी। इसे त्रिशूर, पलकंडा, कोयंबटूर और वायनाडा में बड़े पैमाने पर शूट किया गया था और नवंबर के मध्य तक पूरा कर लिया गया था। संगीत मिथुन मुकुंदन द्वारा तैयार किया गया था जबकि फिल्म की सिनेमाटोग्राफी थेनी ईश्वर द्वारा संभाली गई थी और संपादन समीर मोहम्मद द्वारा किया गया था।
फिल्म पहले 25 दिसंबर 2023 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन रिलीज की तारीख 11 जनवरी 2024 तक के लिए टाल दिया गया था। फिल्म को आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली, जिसे जयराम के प्रदर्शन में मिथुन के मूल स्कोर की प्रशंसा की गई, लेकिन निर्देशन और पाठकथा से आलोचना भी की गई थी। बात करें फिल्म की कहानी की, तो फिल्म की कहानी एसपी अब्राहम ओजलर के जीवन पर तब बिखर जाता है जब एक फर्जी पुलिस कॉल से उसे बहका लिया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप विनीत ने नशीले पदार्थ के संबंधित पिछली गिरफ्तारी का बदला लेने के लिए अपनी पत्नी अनीसा और बेटी का अपहरण और क्रूर हत्या कर दी। ओजलर निराश में डूबा हुआ समाधान की खोज के लिए संघर्ष कर रहा है। तीन साल बाद मति भ्रम और निद्रा से परेशान ओजलर अपने अधीनस्थियों एसआई सीजो और एसआई दिव्या के साथ हथियारों की एक श्रृंखला की जांच करने के लिए निकल पड़ता है। हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरआर मीडिया पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अब्राहम ओजलर मूवी के बारे में। जी हां दोस्तों, अब्राहम ओजलर 2024 के भारतीय मलयालम भाषा की मनोवैज्ञानिक चिकित्सक अपराध थ्रिलर फिल्म है, जो मिथुन मैनुअल थॉमस द्वारा सह निर्मित और निर्देशित है और रणधीरा कृष्णा द्वारा लिखित है। फिल्म में ममूटी अनुस्वर राजम, अनुपमा मेनन, अर्जुन अशोका, आर्या सलीम, सेथिल कृष्णा, जगदीश जयजू कृपार कुरूपा और विदिलेश वेशपोथन के साथ साथ मुख्य भूमिका में मेजर राम भी हैं। यह फिल्म एक अनुभवी पुलिसकर्मी अब्राहम ओजलर पर आधारित है, जो अपने परिवार को लापता होने से परेशान है, एक आईटी कर्मचारी की हत्या की जांच करता है और एक सीरियल किलर का पता लगाता है। फिल्म का निर्देशन मिथुन मैनुअल थॉमस ने किया है। फिल्म के मुख्य अभिनेताओं में जयराम, ममूटी, अनुपमा मेमन, अनस्वर राजन, अर्जुना अशोकन जैसे कई कलाकार नजर आने वाले हैं। यह फिल्म 11 जनवरी 2024 को रिलीज की गई थी, जिसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वो 40.53 करोड़ के आसपास की कमाई करने वाली फिल्म थी। फिल्म का निर्देशन जॉन मर्थिकरन ने थॉमस को डॉक्टर रणधीरा कृष्णा द्वारा लिखित एक कहानी सुनाई। कहानी में प्रभावित होकर उन्होंने इस परियोजना का निर्देशन करने का निर्णय किया। फिल्म की आधिकारिक घोषणा मई 2023 में की गई थी और मुख्य फोटोग्राफी 20 मई 2023 में शुरू हुई थी। इसे त्रिशू, पलकंडा, कोयंबटूर और वायनाडा में बड़े पैमाने पर शूट किया गया था और नवंबर के मध्य तक पूरा कर लिया गया था। संगीत मिथुन मुकुंदन द्वारा तैयार किया गया था, जबकि फिल्म की सिनेमाटोग्राफी थेनी ईश्वर द्वारा संभाली गई थी और संपादन समीर मोहम्मद द्वारा किया गया था। फिल्म पहले 25 दिसंबर 2023 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन रिलीज की तारीख 11 जनवरी 2024 तक के लिए टाल दिया गया था। फिल्म को आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली, जिसे जयराम के प्रदर्शन में मिथुन के मूल स्कोर की प्रशंसा की गई, लेकिन निर्देशन और पाठकथा से आलोचना भी की गई थी। बात करें फिल्म की कहानी की, तो फिल्म की कहानी एसपी अब्राहम ओजलर के जीवन पर तब बिखर जाता है जब एक फर्जी पुलिस कॉल से उसे बहका लिया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप विनीत ने नशीले पदार्थ के संबंधित पिछली गिरफ्तारी का बदला लेने के लिए अपनी पत्नी अनीसा और बेटी का अपहरण और क्रूर हत्या कर दी। ओजलर निराश में डूबा हुआ समाधान की खोज के लिए संघर्ष कर रहा है। तीन साल बाद मति भ्रम और निद्रा से परेशान ओजलर अपने अधीनस्थियों एसआई सीजो और एसआई दिव्या के साथ हथियारों की एक श्रृंखला की जांच करने के लिए निकल पड़ता है। हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरआर मीडिया पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अब्राहम ओजलर मूवी के बारे में। जी हां दोस्तों, अब्राहम ओजलर 2024 के भारतीय मलयालम भाषा की मनोवैज्ञानिक चिकित्सक अपराध थ्रिलर फिल्म है, जो मिथुन मैनुअल थॉमस द्वारा सह निर्मित और निर्देशित है और रणधीरा कृष्णा द्वारा लिखित है। फिल्म में ममूटी अनुस्वर राजम, अनुपमा मेनन, अर्जुन अशोका, आर्या सलीम, सेथिल कृष्णा, जगदीश जयजू कृपार कुरूपा और विदिलेश
पोथन के साथ साथ मुख्य भूमिका में मेजर राम भी हैं। यह फिल्म एक अनुभवी पुलिसकर्मी अब्राहम रोजलर पर आधारित है जो अपने परिवार को लापता होने से परेशान है, जय एक आईटी कर्मचारी की हत्या की जांच करता है और एक सीरियल किलर का पता लगाता है। फिल्म का निर्देशन मिथुन मैनुअल थॉमस ने किया है। फिल्म के मुख्य अभिनेताओं में जयराम ममूठी, अनुपमा मेमन, अनश्वर राजन, अर्जुना अशोकन जैसे कई कलाकार नजर आने वाले हैं। यह फिल्म 11 जनवरी 2024 को रिलीज की गई थी। जिसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वो 40.53 करोड़ के आसपास की कमाई करने वाली फिल्म थी। फिल्म का निर्देशन जॉन मर्थिकरन ने थॉमस को डॉक्टर रणधीरा कृष्णा द्वारा लिखित एक कहानी सुनाई। कहानी में प्रभावित होकर उन्होंने इस परियोजना का निर्देशन करने का निर्णय किया। फिल्म की आधिकारिक घोषणा मई 2023 में की गई थी और मुख्य फोटोग्राफी 20 मई 2023 में शुरू हुई थी। इसे त्रिशूर, पलकंडा, कोयंबटूर और वायनाडा में बड़े पैमाने पर शूट किया गया था और नवंबर के मध्य तक पूरा कर लिया गया था। संगीत मिथुन मुकुंदन द्वारा तैयार किया गया था, जबकि फिल्म की सिनेमाटोग्राफी थेनी ईश्वर द्वारा संभाली गई थी और संपादन समीर मोहम्मद द्वारा किया गया था। फिल्म पहले 25 दिसंबर 2023 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन रिलीज की तारीख 11 जनवरी 2024 तक के लिए टाल दिया गया था। फिल्म को आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली, जिसे जयराम के प्रदर्शन में मिथुन के मूल स्कोर की प्रशंसा की गई, लेकिन निर्देशन और पटकथा से आलोचना भी की गई थी। बात करें फिल्म की कहानी की, तो फिल्म की कहानी एसपी अब्राहम ओजलर के जीवन पर तब बिखर जाता है जब एक फर्जी पुलिस कॉल से उसे बहका लिया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप विनीत ने नशीले पदार्थ के संबंधित पिछली गिरफ्तारी का बदला लेने के लिए अपनी पत्नी अनीसा और बेटी का अपहरण और क्रूर हत्या कर दी। ओजलर निराश में डूबा हुआ समाधान की खोज के लिए संघर्ष कर रहा है। तीन साल बाद मति भ्रम और निद्रा से परेशान ओजलर अपने अधीनस्थियों एसआई सीओ और एसआई दिव्या के साथ हथियारों की एक श्रृंखला की जांच करने के लिए निकल पड़ता है। हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरआर मीडिया पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अब्राहम ओजलर मूवी के बारे में। जी हां दोस्तों, अब्राहम ओजलर 2024 के भारतीय मलयालम भाषा की मनोवैज्ञानिक चिकित्सक अपराध थ्रिलर फिल्म है जो मिथुन मैनुअल थॉमस द्वारा सह निर्मित और निर्देशित है और रणधीरा कृष्णा द्वारा लिखित है। फिल्म में ममूटी, अनश्वर राजम, अनुपमा मेनन, अर्जुन अशोका, आर्या सलीम, सेथिल कृष्णा, जगदीश जयजू कृपार कुरूपा और विदिलेश वेसन पोथन के साथ साथ मुख्य भूमिका में मेजर राम भी हैं। यह फिल्म एक अनुभवी पुलिसकर्मी अब्राहम रोजलर पर आधारित है जो अपने परिवार को लापता होने से परेशान है, जय एक आईटी कर्मचारी की हत्या की जांच करता है और एक सीरियल किलर का पता लगाता है। फिल्म का निर्देशन मिथुन मैनुअल थॉमस ने किया है। फिल्म के मुख्य अभिनेताओं में जयराम ममूठी, अनुपमा मेमन, अनश्वर राजन, अर्जुना अशोकन जैसे कई कलाकार नजर आने वाले हैं। यह फिल्म 11 जनवरी 2024 को रिलीज की गई थी। जिसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वो 40.53 करोड़ के आसपास की कमाई करने वाली फिल्म थी। फिल्म का निर्देशन जॉन मर्थिकरन ने थॉमस को डॉक्टर रणधीरा कृष्णा द्वारा लिखित एक कहानी सुनाई। कहानी में प्रभावित होकर उन्होंने इस परियोजना का निर्देशन करने का निर्णय किया। फिल्म की आधिकारिक घोषणा मई 2023 में की गई थी और मुख्य फोटोग्राफी 20 मई 2023 में शुरू हुई थी। इसे त्रिशूर, पलकंडा, कोयंबटूर और वायनाडा में बड़े पैमाने पर शूट किया गया था और नवंबर के मध्य तक पूरा कर लिया गया था। संगीत मिथुन मुकुंदन द्वारा तैयार किया गया था, जबकि फिल्म की सिनेमाटोग्राफी थेनी ईश्वर द्वारा संभाली गई थी और संपादन समीर मोहम्मद द्वारा किया गया था। फिल्म पहले 25 दिसंबर 2023 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन रिलीज की तारीख 11 जनवरी 2024 तक के लिए टाल दिया गया था। फिल्म को आमतौर पर
सकारात्मक समीक्षा मिली, जिसे जयराम के प्रदर्शन में मिथुन के मूल स्कोर की प्रशंसा की गई, लेकिन निर्देशन और पाठकथा से आलोचना भी की गई थी। बात करें फिल्म की कहानी की, तो फिल्म की कहानी एसपी अब्राहम ओजलर के जीवन पर तब बिखर जाता है जब एक फर्जी पुलिस कॉल से उसे बहका लिया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप विनीत ने नशीले पदार्थ के संबंधित पिछली गिरफ्तारी का बदला लेने के लिए अपनी पत्नी अनीसा और बेटी का अपहरण और क्रूर हत्या कर दी। ओजलर निराश में डूबा हुआ समाधान की खोज के लिए संघर्ष कर रहा है। तीन साल बाद मति भ्रम और निद्रा से परेशान ओजलर अपने अधीनस्थियों SI CEO और SI दिव्या के साथ हथियारों की एक श्रृंखला की जांच करने के लिए निकल पड़ता है। हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल RR मीडिया पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अब्राहम ओजलर मूवी के बारे में। जी हां दोस्तों, अब्राहम ओजलर 2024 के भारतीय मलयालम भाषा की मनोवैज्ञानिक चिकित्सक अपराध थ्रिलर फिल्म है, जो मिथुन मैनुअल थॉमस द्वारा सह निर्मित और निर्देशित है और रणधीरा कृष्णा द्वारा लिखित है। फिल्म में ममूटी अनुस्वर राजम, अनुपमा मेनन, अर्जुन अशोका, आर्या सलीम, सेथिल कृष्णा, जगदीश जयजू कृपार कुरूपा और विदिलेश वेशपोथन के साथ साथ मुख्य भूमिका में मेजर राम भी हैं। यह फिल्म एक अनुभवी पुलिसकर्मी अब्राहम ओजलर पर आधारित है, जो अपने परिवार को लापता होने से परेशान है, एक IT कर्मचारी की हत्या की जांच करता है और एक सीरियल किलर का पता लगाता है। फिल्म का निर्देशन मिथुन मैनुअल थॉमस ने किया है। फिल्म के मुख्य अभिनेताओं में जयराम, ममूटी, अनुपमा मेमन, अनस्वर राजन, अर्जुना अशोकन जैसे कई कलाकार नजर आने वाले हैं। यह फिल्म 11 जनवरी 2024 को रिलीज की गई थी। जिसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को 40.53 करोड़ के आसपास की कमाई करने वाली फिल्म थी। फिल्म का निर्देशन जॉन मर्थिकरन ने थॉमस को डॉक्टर रणधीरा कृष्णा द्वारा लिखित एक कहानी सुनाई। कहानी में प्रभावित होकर उन्होंने इस परियोजना का निर्देशन करने का निर्णय किया। फिल्म की आधिकारिक घोषणा मई 2023 में की गई थी और मुख्य फोटोग्राफी 20 मई 2023 में शुरू हुई थी। इसे त्रिशू, पलकंडा, कोयंबटूर और वायनाडा में बड़े पैमाने पर शूट किया गया था और नवंबर के मध्य तक पूरा कर लिया गया था। संगीत मिथुन मुकुंदन द्वारा तैयार किया गया था, जबकि फिल्म की सिनेमाटोग्राफी थेनी ईश्वर द्वारा संभाली गई थी और संपादन समीर मोहम्मद द्वारा किया गया था। फिल्म पहले 25 दिसंबर 2023 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन रिलीज की तारीख 11 जनवरी 2024 तक के लिए टाल दिया गया था। फिल्म को आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली, जिसे जयराम के प्रदर्शन में मिथुन के मूल स्कोर की प्रशंसा की गई, लेकिन निर्देशन और पाठकथा से आलोचना भी की गई थी। बात करें फिल्म की कहानी की, तो फिल्म की कहानी एसपी अब्राहम ओजलर के जीवन पर तब बिखर जाता है जब एक फर्जी पुलिस कॉल से उसे बहका लिया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप विनीत ने नशीले पदार्थ के संबंधित पिछली गिरफ्तारी का बदला लेने के लिए अपनी पत्नी अनीसा और बेटी का अपहरण और क्रूर हत्या कर दी। ओजलर निराश में डूबा हुआ समाधान की खोज के लिए संघर्ष कर रहा है। तीन साल बाद मति भ्रम और निद्रा से परेशान ओजलर अपने अधीनस्थियों SI CEO और SI दिव्या के साथ हथियारों की एक श्रृंखला की जांच करने के लिए निकल पड़ता है। हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल RR मीडिया पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अब्राहम ओजलर मूवी के बारे में। जी हां दोस्तों, अब्राहम ओजलर 2024 के भारतीय मलयालम भाषा की मनोवैज्ञानिक चिकित्सक अपराध थ्रिलर फिल्म है, जो मिथुन मैनुअल थॉमस द्वारा सह निर्मित और निर्देशित है और रणधीरा कृष्णा द्वारा लिखित है। फिल्म में ममूटी अनुस्वर राजम, अनुपमा मेनन, अर्जुन अशोका, आर्या सलीम, सेथिल कृष्णा, जगदीश जयजू कृपार कुरूपा और विदिलेश वेशपोथन के साथ साथ मुख्य भूमिका में मेजर राम
राम भी हैं। यह फिल्म एक अनुभवी पुलिसकर्मी अब्राहम रोजलर पर आधारित है जो अपने परिवार को लापता होने से परेशान है, जय एक आईटी कर्मचारी की हत्या की जांच करने करता है और एक सीरियल किलर का पता लगाता है। फिल्म का निर्देशन मिथुन मैनुअल थॉमस ने किया है। फिल्म के मुख्य अभिनेताओं में जयराम ममूटी, अनुपमा मेमन, अनश्वर राजन, अर्जुना अशोकन जैसे कई कलाकार नजर आने वाले हैं। यह फिल्म 11 जनवरी 2024 को रिलीज की गई थी। जिसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वो 40.53 करोड़ के आसपास की कमाई करने वाली फिल्म थी। फिल्म का निर्देशन जॉन मर्थिकरन ने थॉमस को डॉक्टर रणधीरा कृष्णा द्वारा लिखित एक कहानी सुनाई। कहानी में प्रभावित होकर उन्होंने इस परियोजना का निर्देशन करने का निर्णय किया। फिल्म की आधिकारिक घोषणा मई 2023 में की गई थी और मुख्य फोटोग्राफी 20 मई 2023 में शुरू हुई थी। इसे त्रिशूर, पलकंडा, कोयंबटूर और वायनाडा में बड़े पैमाने पर शूट किया गया था और नवंबर के मध्य तक पूरा कर लिया गया था। संगीत मिथुन मुकुंदन द्वारा तैयार किया गया था, जबकि फिल्म की सिनेमाटोग्राफी थेनी ईश्वर द्वारा संभाली गई थी और संपादन समीर मोहम्मद द्वारा किया गया था। फिल्म पहले 25 दिसंबर 2023 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन रिलीज की तारीख 11 जनवरी 2024 तक के लिए टाल दिया गया था। फिल्म को आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली, जिसे जयराम के प्रदर्शन में मिथुन के मूल स्कोर की प्रशंसा की गई, लेकिन निर्देशन और पाठकथा से आलोचना भी की गई थी। बात करें फिल्म की कहानी की, तो फिल्म की कहानी एसपी अब्राहम ओजलर के जीवन पर तब बिखर जाता है जब एक फर्जी पुलिस कॉल से उसे बहका लिया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप विनीत ने नशीले पदार्थ के संबंधित पिछली गिरफ्तारी का बदला लेने के लिए अपनी पत्नी अनीसा और बेटी का अपहरण और क्रूर हत्या कर दी। ओजलर निराश में डूबा हुआ समाधान की खोज के लिए संघर्ष कर रहा। तीन साल बाद मति भ्रम हो और निद्रा से परेशान ओजलर अपने अधीनस्थियों एसआई सीओ और एसआई दिव्या के साथ हथियारों की एक श्रृंखला की जांच करने के लिए निकल पड़ता है। हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरआर मीडिया पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अब्राहम ओजलर मूवी के बारे में। जी हां दोस्तों, अब्राहम ओजलर 2024 के भारतीय मलयालम भाषा की मनोवैज्ञानिक चिकित्सक अपराध थ्रिलर फिल्म है, जो मिथुन मैनुअल थॉमस द्वारा सह निर्मित और निर्देशित है और रणधीरा कृष्णा द्वारा लिखित है। फिल्म में ममूटी, अनश्वर राजम, अनुपमा मेनन, अर्जुन अशोका, आर्या सलीम, सेथिल कृष्णा, जगदीश जयजू कृपार कुरूपा और दिलेश भेसन पोथन के साथ साथ मुख्य भूमिका में मेजर राम भी हैं। यह फिल्म एक अनुभवी पुलिसकर्मी अब्राहम रोजलर पर आधारित है जो अपने परिवार को लापता होने से परेशान है, जय एक आईटी कर्मचारी की हत्या की जांच करता है और एक सीरियल किलर का पता लगाता है। फिल्म का निर्देशन मिथुन मैनुअल थॉमस ने किया है। फिल्म के मुख्य अभिनेताओं में जयराम ममूटी, अनुपमा मेमन, अनश्वर राजन, अर्जुना अशोकन जैसे कई कलाकार नजर आने वाले हैं। यह फिल्म 11 जनवरी 2024 को रिलीज की गई थी। जिसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वो 40.53 करोड़ के आसपास की कमाई करने वाली फिल्म थी। फिल्म का निर्देशन जॉन मर्थिकरन ने थॉमस को डॉक्टर रणधीरा कृष्णा द्वारा लिखित एक कहानी सुनाई। कहानी में प्रभावित होकर उन्होंने इस परियोजना का निर्देशन करने का निर्णय किया। फिल्म की आधिकारिक घोषणा मई 2023 में की गई थी और मुख्य फोटोग्राफी 20 मई 2023 में शुरू हुई थी। इसे त्रिशूर, पलकंडा, कोयंबटूर और वायनाडा में बड़े पैमाने पर शूट किया गया था और नवंबर के मध्य तक पूरा कर लिया गया था। संगीत मिथुन मुकुंदन द्वारा तैयार किया गया था, जबकि फिल्म की सिनेमाटोग्राफी थेनी ईश्वर द्वारा संभाली गई थी और संपादन समीर मोहम्मद द्वारा किया गया था। फिल्म पहले 25 दिसंबर 2023 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन रिलीज की तारीख 11 जनवरी 2024 तक के लिए टाल दिया गया था। फिल्म को आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली, जिसे जयराम के प्रदर्शन में मिथुन के मूल स्कोर की प्रशंसा की गई, लेकिन
निर्देशन और पाठकथा से आलोचना भी की गई थी। बात करें फिल्म की कहानी की, तो फिल्म की कहानी एसपी अब्राहम ओजलर के जीवन पर तब बिखर जाता है जब एक फर्जी पुलिस कॉल से उसे बहका लिया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप विनीत ने नशीले पदार्थ के संबंधित पिछली गिरफ्तारी का बदला लेने के लिए अपनी पत्नी अनीसा और बेटी का अपहरण और क्रूर हत्या कर दी। ओजलर निराश में डूबा हुआ समाधान की खोज के लिए संघर्ष कर रहा। तीन साल बाद मतिभ्रम और निद्रा से परेशान ओजलर अपने अधीनस्थियों SI CEO और SI दिव्या के साथ हथियारों की एक श्रृंखला की जांच करने के लिए निकल पड़ता है। हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल RR मीडिया पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अब्राहम ओजलर मूवी के बारे में। जी हां दोस्तों, अब्राहम ओजलर 2024 के भारतीय मलयालम भाषा की मनोवैज्ञानिक चिकित्सक अपराध थ्रिलर फिल्म है, जो मिथुन मैनुअल थॉमस द्वारा सह निर्मित और निर्देशित है और रणधीरा कृष्णा द्वारा लिखित है। फिल्म में ममूटी अनुस्वर राजम, अनुपमा मेनन, अर्जुन अशोका, आर्या सलीम, सेथिल कृष्णा, जगदीश जेजू कृपार कुरूपा और विदिलेश वेसन पोथन के साथ साथ मुख्य भूमिका में मेजर राम भी हैं। यह फिल्म एक अनुभवी पुलिसकर्मी अब्राहम ओजलर पर आधारित है, जो अपने परिवार को लापता होने से परेशान है, जय एक IT कर्मचारी की हत्या की जांच करता है और एक सीरियल किलर का पता लगाता है। फिल्म का निर्देशन मिथुन मैनुअल थॉमस ने किया है। फिल्म के मुख्य अभिनेताओं में जयराम ममूटी, अनुपमा मेमन, अनस्वर राजन, अर्जुना अशोकन जैसे कई कलाकार नजर आने वाले हैं। यह फिल्म 11 जनवरी 2024 को रिलीज की गई थी। जिसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को 40.53 करोड़ के आसपास की कमाई करने वाली फिल्म थी। फिल्म का निर्देशन जॉन मर्थिकलर ने थॉमस को डॉक्टर रणधीरा कृष्णा द्वारा लिखित एक कहानी सुनाई। कहानी में प्रभावित होकर उन्होंने इस परियोजना का निर्देशन करने का निर्णय किया। फिल्म की आधिकारिक घोषणा मई 2023 में की गई थी और मुख्य फोटोग्राफी 20 मई 2023 में शुरू हुई थी। इसे त्रिशू, पलकंडा, कोयंबटूर और वायनाडा में बड़े पैमाने पर शूट किया गया था और नवंबर के मध्य तक पूरा कर लिया गया था। संगीत मिथुन मुकुंदन द्वारा तैयार किया गया था, जबकि फिल्म की सिनेमाटोग्राफी थेनी ईश्वर द्वारा संभाली गई थी और संपादन समीर मोहम्मद द्वारा किया गया था। फिल्म पहले 25 दिसंबर 2023 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन रिलीज की तारीख 11 जनवरी 2024 तक के लिए टाल दिया गया था। फिल्म को आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली, जिसे जयराम के प्रदर्शन में मिथुन के मूल स्कोर की प्रशंसा की गई, लेकिन निर्देशन और पाठकथा से आलोचना भी की गई थी। बात करें फिल्म की कहानी की, तो फिल्म की कहानी एसपी अब्राहम ओजलर के जीवन पर तब बिखर जाता है जब एक फर्जी पुलिस कॉल से उसे बहका लिया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप विनीत ने नशीले पदार्थ के संबंधित पिछली गिरफ्तारी का बदला लेने के लिए अपनी पत्नी अनीसा और बेटी का अपहरण और क्रूर हत्या कर दी। ओजलर निराश में डूबा हुआ समाधान की खोज के लिए संघर्ष कर रहा। तीन साल बाद मतिभ्रम और निद्रा से परेशान ओजलर अपने अधीनस्थियों SI CEO और SI दिव्या के साथ हथियारों की एक श्रृंखला की जांच करने के लिए निकल पड़ता है। हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल RR मीडिया पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अब्राहम ओजलर मूवी के बारे में। जी हां दोस्तों, अब्राहम ओजलर 2024 के भारतीय मलयालम भाषा की मनोवैज्ञानिक चिकित्सक अपराध थ्रिलर फिल्म है, जो मिथुन मैनुअल थॉमस द्वारा सह निर्मित और निर्देशित है और रणधीरा कृष्णा द्वारा लिखित है। फिल्म में ममूटी अनुस्वर राजम, अनुपमा मेनन, अर्जुन अशोका, आर्या सलीम, सेथिल कृष्णा, जगदीश जेजू कृपार कुरूपा और विदिलेश वेसन पोथन के साथ साथ मुख्य भूमिका में मेजर राम भी हैं। यह फिल्म एक अनुभवी पुलिसकर्मी अब्राहम ओजलर पर आधारित है, जो अपने परिवार को लापता होने से परेशान है, जय एक IT कर्मचारी की हत्या की जांच करने
करता है और एक सीरियल किलर का पता लगाता है। फिल्म का निर्देशन मिथुन मैनुअल थॉमस ने किया है। फिल्म के मुख्य अभिनेताओं में जयराम ममूठी, अनुपमा मेमन, अनश्वर राजन, अर्जुना अशोकन जैसे कई कलाकार नजर आने वाले हैं। यह फिल्म 11 जनवरी 2024 को रिलीज की गई थी। जिसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वो 40.53 करोड़ के आसपास की कमाई करने वाली फिल्म थी। फिल्म का निर्देशन जॉन मर्थिकरन ने थॉमस को डॉक्टर रणधीरा कृष्णा द्वारा लिखित एक कहानी सुनाई। कहानी में प्रभावित होकर उन्होंने इस परियोजना का निर्देशन करने का निर्णय किया। फिल्म की आधिकारिक घोषणा मई 2023 में की गई थी और मुख्य फोटोग्राफी 20 मई 2023 में शुरू हुई थी। इसे त्रिशूर, पलकंडा, कोयंबटूर और वायनाडा में बड़े पैमाने पर शूट किया गया था और नवंबर के मध्य तक पूरा कर लिया गया था। संगीत मिथुन मुकुंदन द्वारा तैयार किया गया था, जबकि फिल्म की सिनेमाटोग्राफी थेनी ईश्वर द्वारा संभाली गई थी और संपादन समीर मोहम्मद द्वारा किया गया था। फिल्म पहले 25 दिसंबर 2023 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन रिलीज की तारीख 11 जनवरी 2024 तक के लिए टाल दिया गया था। फिल्म को आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली, जिसे जयराम के प्रदर्शन में मिथुन के मूल स्कोर की प्रशंसा की गई, लेकिन निर्देशन और पाठकथा से आलोचना भी की गई थी। बात करें फिल्म की कहानी की, तो फिल्म की कहानी एसपी अब्राहम ओजलर के जीवन पर तब बिखर जाता है जब एक फर्जी पुलिस कॉल से उसे बहका लिया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप विनीत ने नशीले पदार्थ के संबंधित पिछली गिरफ्तारी का बदला लेने के लिए अपनी पत्नी अनीसा और बेटी का अपहरण और क्रूर हत्या कर दी। ओजलर निराश में डूबा हुआ समाधान की खोज के लिए संघर्ष कर रहा। तीन साल बाद मति भ्रम हो और निद्रा से परेशान ओजलर अपने अधीनस्थियों एसआई सीओ और एसआई दिव्या के साथ हथियारों की एक श्रृंखला की जांच करने के लिए निकल पड़ता है। हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरआर मीडिया पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अब्राहम ओजलर मूवी के बारे में। जी हां दोस्तों, अब्राहम ओजलर 2024 के भारतीय मलयालम भाषा की मनोवैज्ञानिक चिकित्सक अपराध थ्रिलर फिल्म है, जो मिथुन मैनुअल थॉमस द्वारा सह निर्मित और निर्देशित है और रणधीरा कृष्णा द्वारा लिखित है। फिल्म में ममूटी, अनश्वर राजम, अनुपमा मेनन, अर्जुन अशोका, आर्या सलीम, सेथिल कृष्णा, जगदीश जयजू कृपार कुरूपा और विदिलेश वेसन पोथन के साथ साथ मुख्य भूमिका में मेजर राम भी हैं। यह फिल्म एक अनुभवी पुलिसकर्मी अब्राहम ओजलर पर आधारित है, जो अपने परिवार को लापता होने से परेशान है, एक आईटी कर्मचारी की हत्या की जांच करता है और एक सीरियल किलर का पता लगाता है। फिल्म का निर्देशन मिथुन मैनुअल थॉमस ने किया है। फिल्म के मुख्य अभिनेताओं में जयराम ममूठी, अनुपमा मेमन, अनश्वर राजन, अर्जुना अशोकन जैसे कई कलाकार नजर आने वाले हैं। यह फिल्म 11 जनवरी 2024 को रिलीज की गई थी। जिसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वो 40.53 करोड़ के आसपास की कमाई करने वाली फिल्म थी। फिल्म का निर्देशन जॉन मर्थिकरन ने थॉमस को डॉक्टर रणधीरा कृष्णा द्वारा लिखित एक कहानी सुनाई। कहानी में प्रभावित होकर उन्होंने इस परियोजना का निर्देशन करने का निर्णय किया। फिल्म की आधिकारिक घोषणा मई 2023 में की गई थी और मुख्य फोटोग्राफी 20 मई 2023 में शुरू हुई थी। इसे त्रिशूर, पलकंडा, कोयंबटूर और वायनाडा में बड़े पैमाने पर शूट किया गया था और नवंबर के मध्य तक पूरा कर लिया गया था। संगीत मिथुन मुकुंदन द्वारा तैयार किया गया था, जबकि फिल्म की सिनेमाटोग्राफी थेनी ईश्वर द्वारा संभाली गई थी और संपादन समीर मोहम्मद द्वारा किया गया था। फिल्म पहले 25 दिसंबर 2023 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन रिलीज की तारीख 11 जनवरी 2024 तक के लिए टाल दिया गया था। फिल्म को आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली, जिसे जयराम के प्रदर्शन में मिथुन के मूल स्कोर की प्रशंसा की गई, लेकिन निर्देशन और पाठकथा से आलोचना भी की गई थी।
बात करें फिल्म की कहानी की, तो फिल्म की कहानी एसपी अब्राहम ओजलर के जीवन पर तब बिखर जाता है जब एक फर्जी पुलिस कॉल से उसे बहका लिया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप विनीत ने नशीले पदार्थ के संबंधित पिछली गिरफ्तारी का बदला लेने के लिए अपनी पत्नी अनीसा और बेटी का अपहरण और क्रूर हत्या कर दी। ओजलर निराश में डूबा हुआ समाधान की खोज के लिए संघर्ष कर रहा है। तीन साल बाद मति भ्रम और निद्रा से परेशान ओजलर अपने अधीनस्थियों एसआई सीजो और एसआई दिव्या के साथ हथियारों की एक श्रृंखला की जांच करने के लिए निकल पड़ता है। हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरआर मीडिया पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अब्राहम ओजलर मूवी के बारे में। जी हां दोस्तों, अब्राहम ओजलर 2024 के भारतीय मलयालम भाषा की मनोवैज्ञानिक चिकित्सक अपराध थ्रिलर फिल्म है, जो मिथुन मैनुअल थॉमस द्वारा सह निर्मित और निर्देशित है और रणधीरा कृष्णा द्वारा लिखित है। फिल्म में ममूटी अनुस्वर राजम, अनुपमा मेनन, अर्जुन अशोका, आर्या सलीम, सेथिल कृष्णा, जगदीश जयजू कृपार कुरूपा और विदिलेश वेसो पोथन के साथ साथ मुख्य भूमिका में मेजर राम भी हैं। यह फिल्म एक अनुभवी पुलिसकर्मी अब्राहम ओजलर पर आधारित है, जो अपने परिवार को लापता होने से परेशान है, एक आईटी कर्मचारी की हत्या की जांच करता है और एक सीरियल किलर का पता लगाता है। फिल्म का निर्देशन मिथुन मैनुअल थॉमस ने किया है। फिल्म के मुख्य अभिनेताओं में जयराम, ममूटी, अनुपमा मेमन, अनस्वर राजन, अर्जुना अशोकन जैसे कई कलाकार नजर आने वाले हैं। यह फिल्म 11 जनवरी 2024 को रिलीज की गई थी, जिसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को 40.53 करोड़ के आसपास की कमाई करने वाली फिल्म थी। फिल्म का निर्देशन जॉन मर्थिकरन ने थॉमस को डॉक्टर रणधीरा कृष्णा द्वारा लिखित एक कहानी सुनाई। कहानी में प्रभावित होकर उन्होंने इस परियोजना का निर्देशन करने का निर्णय किया। फिल्म की आधिकारिक घोषणा मई 2023 में की गई थी और मुख्य फोटोग्राफी 20 मई 2023 में शुरू हुई थी। इसे त्रिशू, पलकंडा, कोयंबटूर और वायनाडा में बड़े पैमाने पर शूट किया गया था और नवंबर के मध्य तक पूरा कर लिया गया था। संगीत मिथुन मुकुंदन द्वारा तैयार किया गया था, जबकि फिल्म की सिनेमेटोग्राफी थेनी ईश्वर द्वारा संभाली गई थी और संपादन समीर मोहम्मद द्वारा किया गया था। फिल्म पहले 25 दिसंबर 2023 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन रिलीज की तारीख 11 जनवरी 2024 तक के लिए टाल दिया गया था। फिल्म को आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली, जिसे जयराम के प्रदर्शन में मिथुन के मूल स्कोर की प्रशंसा की गई, लेकिन निर्देशन और पाठकथा से आलोचना भी की गई थी। बात करें फिल्म की कहानी की, तो फिल्म की कहानी एसपी अब्राहम ओजलर के जीवन पर तब बिखर जाता है जब एक फर्जी पुलिस कॉल से उसे बहका लिया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप विनीत ने नशीले पदार्थ के संबंधित पिछली गिरफ्तारी का बदला लेने के लिए अपनी पत्नी अनीसा और बेटी का अपहरण और क्रूर हत्या कर दी। ओजलर निराश में डूबा हुआ समाधान की खोज के लिए संघर्ष कर रहा है। तीन साल बाद मति भ्रम और निद्रा से परेशान ओजलर अपने अधीनस्थियों एसआई सीजो और एसआई दिव्या के साथ हथियारों की एक श्रृंखला की जांच करने के लिए निकल पड़ता है।